तो फिर हम आपको जवाब बताएंगे। नहीं नहीं, हम आपको नहीं, सवाल नहीं, हम प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि आपको सवाल लिख करके दे देंगे। हम लिखा हुआ इंटरव्यू दे रहे हैं। प्रियंका जी मंदिर जा रही सवाल भेज दे तो आप प्रियंका जी भी तो मंदिर जा रही है ना, प्रियंका जी भी मंदिर जा रही है, राहुल जी भी मंदिर जा रहे थे, जनेऊ भी दिखा रहे थे, वो अगर वो कर सकते हैं। देखिए, मंदिर जाने में कोई बुराई नहीं, चुनाव के टाइम मस्जिद जाने में भी कोई बुराई नहीं, चुनाव के वक्त गिरिजाघर जाने में भी बुराई नहीं, गुरुद्वारे में जाने में भी बुराई नहीं। राम जी, आप, मैं यही कहता हूँ, देखिए इसकी जो एक अलग व्याख्या की जाती है ना, ये खतरनाक है। ये देश है, सभी धर्म के लोगों का देश है। जब आप पब्लिक फिगर हैं, आपको कोई अपने धार्मिक आस्था के हिसाब से अपने किसी धार्मिक संस्थान में लेकर के जाता है तो आप जाते हैं, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, इस देश में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप विकास की बात कीजिए, आप मुद्दे की बात कीजिए, आप बेकारी की बात कीजिए, आप महंगाई की बात दे दो। राम जी जवाब देखिए, आप इस बात को स्वीकार करें कि लगातार चुनाव में हार के बाद ऐसा कौन सा कारण था कि आपके नेता राहुल गांधी को जनेऊ पहनना पड़ा, मंदिर मंदिर द्वार जाकर के मत्था टेकना पड़ा? कौन सा कारण था? क्या उस समय वो राजनीति से प्रेरित नहीं था? तो इसलिए कन्हैया जी, आप बोलते बड़ा प्यारा हो, पर इस तरह से नहीं, आप प्रामाणिकता से पक्ष रखिए कि कांग्रेस दल ने राम मंदिर को सर्वोच्च न्यायालय में विरोध किया, अप्रत्यक्ष रूप से गलत किया। ये लोग सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। बिहार और उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश बिहार के वासी हैं, उनको आने के लिए कांग्रेस दल ने कोई सुविधा नहीं दी, उनको वहां से भगा दिया। इस पर कांग्रेस पर आप प्रहार करिए। आपसे लोग सच सुनना चाहते हैं, और वह सच ये है कि यह दोगला नहीं हो सकता। मैंने तो प्रामाणिकता से आके, राम मेरी श्रद्धा है, आस्था है, मैंने जय श्री राम कहा, उसमें क्या गलत कहा? आपका नाम कन्हैया है, मैंने आपको भी कहा, आप भी कहिए जय श्री राम, जय कृष्ण कहिए, उसमें क्या गलत कहा? गलत पर इसको आप राजनीति से आप जोड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं, ये पूरी तरह से सरासर दोगलापन है। यानी प्रियंका गांधी मंदिर में जाए वो सब सही, राहुल गांधी नकली जनेऊ पहने वो सब सही, पर राम मंदिर के लिए 450 वर्ष हिंदू भाई अगर संघर्ष करें तो उसमें आपको दोगलापन दिखे, ये कैसे हो सकता है? एक तो मैं बार बार कहता हूं कि विकास की भी बात करेंगे कन्हैया जी, विकास के हर मुद्दे की बात करेंगे। जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल मात्र 7 वर्षों में कैसे किया, और पूरे विश्व के नेता कैसे बने, इस पर पूरे आंकड़ों के साथ बात करेंगे। अच्छा, ये तो आपने खुद स्वीकार कर लिया कि जो 70 साल में नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी ने 7 साल में कर दिया। ये तो आपने नहीं, 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 अब ये सारे लोग पूछ लो इनसे, आप स्वीकार करते नहीं करते? 218 दिन में 100 करोड़ टीके लगे नहीं लगे, ये क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच नहीं है? आज 125 करोड़ टीके लगे और वो टीके इस मां भारती के भूमि पर बने, क्या ये प्रधानमंत्री की सोच नहीं है? चलिए, अब सारा विश्व प्रधानमंत्री जी के कार्य को सलाम कर रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री है, आप भी सीना चौड़ा करके कहिए कि वाह मोदी जी, आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो। देखो, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए आपको बहुत मुद्दे मिलेंगे, बहुत बिंदु मिलेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे, पर जहां पर एक भारतीय होने के नाते जब भारत की मिट्टी में कुछ अगर टीका बनता है और सारा विश्व अगर भारत को अगर ऊपर के स्थान पर देखता है तो आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए, तो आपको भी लगना चाहिए प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं, क्यों नहीं होता है? अच्छा, तो अब मैं बताऊं बारी बारी से। पहली बात तो ये कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई राम का नाम लेता है, कोई कृष्ण का नाम लेता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये देश एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं, यहाँ कबीर भी हैं, नानक भी हैं, बुद्ध भी हैं। ये अपने गले में जो भगवा लगा के बैठे हुए हैं ना, ये भगवा सिर्फ भाजपा का नहीं है, महात्मा बुद्ध के छीवर का रंग भगवा है, शिवाजी महाराज के झंडे का रंग भगवा है, संभाजी के महाराज का रंग, ये वहीं महाराष्ट्र से आते हैं, उनके झंडे का रंग भगवा है, और तो और जिस तिरंगे को ये नहीं मानते थे उस तिरंगे में भी भगवा रंग है। ये आपका रंग है, हमारा रंग है, ऐसी बात नहीं है, ये इस देश का रंग है। एक तिरंगे को मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते। भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। कहिए एक बार। अच्छा, एक बात देखिए। नहीं नहीं, कहिए भारत माता की जय। भारत माता की जय हम कहते हैं। 10 फरवरी 2016 में कहा था, मेरी माँ का, मेरी पत्नी का भारत माता की नाम जय कहूंगा, ताकि वो स्कूल में जब बच्चा जाएगा उसका भी नाम भारत माता की जय कहूंगा, ताकि उसको स्कूल वाले फीस माफ कर दे। राम कदम जी का टिप्पणी नहीं, राम कदम जी सुनिए, आप सुनिए, ऐसा है क्या है ना, आप मेरे अंदर का बिहारी जगा दिए हैं। सुनिए, आप
अब सुनिए आप, नहीं नहीं ये बिहारी जो है सुनिए, सुनिए पहला भारतीय होता है, आप मेरी बात सुनिए। अभी तक मैं इनसे बड़ा तमीज से बात कर रहा था, अब ये मेरे अंदर का बिहारी जगाए हैं। सुनिए, आपको संबित पात्रा बनने का शौक है ना, ना, ना तो ना। यही सवाल वो हमसे पूछे थे और उनको हम जवाब दिए थे। जवाब जानते हैं क्या दिए थे? कि भारत माता की जय हम बोलते हैं, आप गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो गोडसे बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। जिसने हत्या की है घोड़से के कार्य का हमने कभी समर्थन किया है? घोड़से मुर्दाबाद बोलते हैं, समर्थन किया है, किया है भाई, निंदनीय है। आरएसएस के ऑफिस में, आरएसएस के ऑफिस में घोड़से का फोटो लगाया हुआ है। ग्वालियर में आपने घोड़से का जो है घोड़से का मंदिर बनाया है। ये सब ना तुतु मैं नहीं कीजिए मेरे साथ। तुतु मैं का जवाब हमको देने के लिए आता है। आप सवाल का जवाब सुनिए, पूरा भूल लीजिए। आप सुनिए, एक दस आप माइक रखिए, दस सेकंड आप माइक रखिए, हम आपका सवाल का जवाब देते हैं। दस सेकंड वो उधर मत जाइए, वो हमको करने के लिए आता है। मैं ये कहा, आपने कहा घोड़से मुर्दाबाद कही है, हमने घोड़से जिंदाबाद कब कहा? हमेशा से। कब कहा? हमेशा से। हमने कब कब गांधी की विचारधारा का हमने अपमान कब किया? बोलिए ना, बोलिए ना, घोड़से मुर्दाबाद आप बोलिए, घोड़से मुर्दाबाद बोलिए, घोड़से मुर्दाबाद माइक लेकर बोलिए। अरे घोड़से के किसी कार्य का हमने समर्थन नहीं किया, घोड़से मुर्दाबाद ही नहीं कहा, घोड़से मुर्दाबाद। बोलिए ना, घोड़से मुर्दाबाद है ना, बोलिए घोड़से मुर्दाबाद। काय नहीं बोल रहे हैं रामकृष्ण जी, सस्पेंड हो जाइएगा उसी पॉइंट, पार्टी से निकाल दिया जाएगा। डर काय लग रहा है? बोलिए एक बार मुर्दाबाद, हम भारत माता की जय बोलते हैं, इनको बोलिए घोड़से मुर्दाबाद। बोला इन्होंने, बोलो बोलो, बोलिए बोलिए, सुन लीजिए। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। आपके समाधान के लिए मैं कह दूं? नहीं, समाधान के लिए अपने मन से, दिल से बोलिए। अगर गांधी को मानते हैं तो दिल से बोलिए। घोड़से ने जो कार्य किया है वह निंदनीय है। क्या कार्य किया? नहीं नहीं, घोड़से ने क्या कार्य किया है? महात्मा गांधी को जो हत्या की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी जी की हत्या की है, वध नहीं किया है, निंदनीय है, वध नहीं किया है। वध नहीं बोलते हैं ना क्या, कि महात्मा गांधी का वध किया गया, ये नहीं बोलते हैं ना, हत्या की है ना विषय क्या? नहीं नहीं, मैं बुलवाता हूँ ना। ये देखिए, मुंह में जवान रख करके बात मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। शब्दों में कहूँ, ये अभिव्यक्ति मेरी है ना, आप उसी तरह से मेरी भी है, संवैधानिक शब्दों का उसी तरह से अभिव्यक्ति मेरी भी है, मेरी है। मैं बोलूंगा भारत माता की जय, वो मेरी अभिव्यक्ति है। आप कौन होते हैं बुलवाने वाले? आप कौन होते हैं बुलवाने वाले? आपके कहने से क्यों बोलेंगे? भारत माता की जय की अभिव्यक्ति मेरी है, जय श्री राम बोलने की अभिव्यक्ति मेरी है, उसी तरह से हर इंडिविजुअल की अभिव्यक्ति है। आपको ये टेंडर किसने दिया है? माथा पे जो है ललका गमछा लगा करके, भगवा गमछा लगा करके, हरा गमछा लगा करके, आप तय कीजिएगा कि कौन क्या बोलेगा। देखिए, आप मुद्दा पे आइए, भटकाइए मत, आधा घंटा का समय है, ठीक है? मुद्दा इन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी, मुझे जवाब देने दीजिए, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं। मुझे बताइए कि कांग्रेस का अटल बिहारी वाजपेयी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, मोदी जी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री मंदिर नहीं जाते थे? नहीं नहीं, इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी मंदिर नहीं जाती थी? इसमें सवाल ये कि चुनावों के वक्त, देखिए चुनावों के वक्त जाना वो दिखाना, उस पे सवाल है, मंदिर जाने वो तो आपके कैमरा का प्रॉब्लम है ना, कि आप चुनाव के वक्त उनके पीछे पीछे लेके घूमते हैं। रोज सुबह में आप कैमरा लेके थोड़ी उनके पास रहते हैं, कब मंदिर जाते हैं कब मंदिर नहीं जाते हैं। ऐसा है, फिर ये कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है, मैं गमछा पहनूं भगवा इन्हें दर्द है? नहीं नहीं, आप कैमरा, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है, दर्द है मुझे, बिल्कुल दर्द नहीं है। आप एक बार आपकी लिस्ट, अरे आप पैजामा भी भगवा पहन लीजिए महाराज, आप कुर्ता भी भगवा पहन लीजिए, आप माथे पे भी भगवा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे भी आफत है, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, मुझे उनसे आफत नहीं है, मैं कांग्रेस दर्द। सुनिए, अंग्रेज वाला चाल नहीं चलेगा, फूट डालो राज करो, होशियारी इधर मत कीजिए। उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं, आपसे हम झगड़ा कर रहे हैं, ये सब होशियारी मेरे साथ मत कीजिए। हमारा तो आपसे झगड़ा ही नहीं है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है, नहीं यही अंतर है। आप कांग्रेसी लोग जिसे झगड़ा समझते हो, भारतीय जनता पार्टी उसे विचारधारा की लड़ाई समझती है। कौन सी विचारधारा? कौन सी विचारधारा? विचारधारा किसकी विचारधारा? विचारधारा, सुनिए एक बात ये बताएं, नमस्ते, भाजपा भाजपा किसके विचारधारा पे चलती है? पांच नाम बताइए, भाजपा की विचारधारा किसको फॉलो करती है? पांच नाम बताइए, हम गिनते हैं, बोलिए, बताओ। हाँ, शांति से सुनेंगे? हाँ, शांति से। अभी आपकी भाषा में माइक रखिए। हाँ, चलिए, आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम। अरे तो शाखा में पढ़ाया जाता है, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं क्या? मैं कौन सा दर्शी, आप कौन सा वर्ष किए हैं? शाखा का कौन सा वर्ष करके आए हैं? आपने प्रथम वर्ष, आपने पांच आदमी का नाम हम पूछे, इन्होंने पूछा मुझे क्या विचारधारा, तो माँ भारती के लिए मर मिट जाने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर देश का नागरिक, यह विचारधारा। आपकी माता भारत माता है?
सबकी भारत माता माता है, माता भी भारत माता है ना? अभी पता नहीं, आपको बताना होगा। तुम क्या आपको हम पेड़ पे लटके नहीं, जेएनयू में 9 फरवरी को हम पेड़ पे लटके हुए थे। मेरी माँ नहीं है आपकी माता भारत माता है, गजब हाल है। ये जेएनयू में 9 फरवरी 2016 में भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे किसने और क्यों लगाए थे? अरे ऐसा नहीं था, हम बताते हैं। बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन दे रहा था ये बताइए? अरे ओरिजिनल नारा इनको पता नहीं है। जवाब जवाब जवाब, ये नारा नहीं था, ठीक है। वो आपको जीन्यू जाना पड़ेगा, नेटवर्क 18 के पास वो फुटेज नहीं है। अब सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। 5 व्यक्ति का नाम बताइए जिस व्यक्ति की विचारधारा पे आरएसएस बीजेपी चलती है। 5 व्यक्ति का नाम बताइए, सीधा सीधा। जो प्रार्थना है, हाँ बताए मुझे वो प्रार्थना ना, ना, है। उसके उसके उसका अर्थ बता। 5 व्यक्ति का नाम बता रहे, संस्कृत में है। 5 व्यक्ति का नाम नहीं बताएंगे ना, ना, अरे मोदी, अमित शाह, योगी, संबित पात्रा, यही गिना दीजिए, स्मृति ईरानी। 5 बोलिए ना महाराज, काहे घबरा रहे हैं? हो गया 5 नाम बताइए। हो गया, तब मैं जवाब दूंगा। हो गया, मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी क्या है, मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी होने का क्या मतलब होता है, कांग्रेसी होने का क्या मतलब, ये बताता हूँ। कांग्रेसी होने का मतलब होता है आपके भी इस देश में, सुनिए तो मैं देता हूँ आपके, आपका पास जवाब नहीं है, मैं जवाब देता हूँ। ऐसे नहीं होगा, कांग्रेसी होने का मतलब है इस देश के 5000 साल के इतिहास और उसकी विरासत को अपने आप में समेटना। कांग्रेसी होने का मतलब होता है नानक के विचारों पर चलना। कांग्रेसी होने का मतलब होता है कबीर के उस कांग्रेस को समझना जिसमें हम कहते हैं, सुन लीजिए, बार-बार पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। एक मिनट, कबीर के उस लाइन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कांग्रेस आप आ जाइए ना, राम कदम जी आपका सपोर्टर आपसे ज्यादा मजबूत है, आप नीचे बैठ जाइए, उसको यहाँ भेज दीजिए। एक मिनट, राम कदम जी उस आदमी को, एक क्या नाम है भाई जी आपका, उस आदमी को यहाँ बैठाइए किशोर जी, और इनको वहाँ भेज दीजिए, उनको मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, एक मिनट राम जी, मैं बताता हूँ। पहली बात तो 5000 साल पहले कांग्रेस थी नहीं। हाँ। कांग्रेस की विचारधारा की आप बात करेंगे, कांग्रेस की विचारधारा कहें कि कांग्रेस की विचारधारा गांधी की विचारधारा है। आप खुद कांग्रेस की, कांग्रेस में अभी आए, आप खुद आए अभी कांग्रेस में, पटेल की विचारधारा, अभी से कुछ दिन पहले तो आप ही कांग्रेस में नहीं थे, इसका क्या मतलब है? नहीं तो आप कांग्रेस की विचारधारा लेके जो आ रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो हम गांधी के खिलाफ थे, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो नेहरू के खिलाफ थे, इसका ये मतलब है, ये थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। अच्छा, अगर आप जिस पार्टी में थे वो पार्टी किसको मानती थी, जोसेफ स्टालिन को? नहीं, हम कभी स्टालिन को नहीं माने थे। आप स्टालिन को कभी नहीं माने? कभी नहीं माने। आपने तिरस्कार किया स्टालिन का, आपके आपके मंच पे किया है, आपके मंच पे ऑन कैमरा किया है, आपके मंच पे ऑन कैमरा किया, कागज पे लिख के दे दीजिए ना, आइए कागज पे लिख के दे दीजिए, वो उनको टीका टिप्पणी बता रहे हैं, कागज पे लिख के पहुंचा दीजिए, बोलिए। एक मिनट, हाँ मुझे पता है, मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे पता नहीं होगा, मैं 2019 का चुनाव लड़ा हूँ तो। एक मिनट, हाँ बैठिए, एक मिनट, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमको बता रहे हैं, मेरा जनरल नॉलेज कमजोर नहीं है, मुझे पता है मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, आपका जवाब दे दूं मैं कन्हैया जी, आप सवाल पूछे तो जवाब भी सुन लीजिए। एक आप कहां ना, मेरे सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा किनके विचारों के आधार पर हमारा दल चलता है, लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर जो गरीब व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान के विचार, उसके उत्थान के विचारधारा पर हमारा दल चलता है। ये एनसीईआरटी बात, तुम्हारी कांग्रेस का दल जो है केवल और केवल गांधी घराना, नहीं, नहीं नहीं, जो कल राहुल गांधी शादी कर ले तो उनका पोता भी वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा भविष्य का, इस प्रकार से तुम्हारी विचारधारा है, वो दल है या प्राइवेट कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? इसको जानते हैं क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेशर्मी। अभी जो बोमई यहाँ पे बैठा हुआ था उसका बाप कौन था? जैसा कौन है? फुफा है आपका? मुझे बात कौन है कौन है बोमई कौन है? भाषा मर्यादित, कौन है जैसा? परिवारवाद की बात करते हैं आप, ठीक है? कौन है बोमई बताइए, बोमई के पिता जी बताइए, कौन से परिवार से आते बताइए ना, बताइए ना, बताइए लोगों को, बताइए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कौन से परिवार से आते, बताइए लोगों को। खाली नरेंद्र मोदी एक आम आदमी, एक आम आदमी, एक गरीब परिवार से देश का प्रधानमंत्री केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बन सकता है? मेरे पिताजी कौन है ये बताइए? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह प्राइवेट कंपनी नहीं है। सुनिए ना, मेरे जहाँ पे केवल और केवल गांधी परिवार तय करेगा वो मंत्री होगा, गांधी परिवार तय करेगा वो उस दल का अध्यक्ष बनेगा। ये झूठ है, ये ऐसा नहीं है, ये झूठ है। मैं इनको अभी पूछ रहा हूँ कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री अभी से इस सेशन के पहले यहाँ के भाषण दे रहे थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में इनके मुंह में दही जम गया है।
जयशाह के बारे में सवाल पूछ रहे हैं तो उसके पलते इनके मुंह में पान आ गया। आपकी पार्टी के परिवार, सुनिए, नरेंद्र मोदी साधारण परिवार से हैं, मेरे पिताजी कौन थे, राहुल गांधी साधारण परिवार से, कौन थे पार्टी, आपकी पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है, साधारण परिवार से, बिल्कुल साधारण परिवार से, प्रमोद महाजन के साथ क्या कर रहे थे, कोई नहीं था, मेरा पारिवारिक रिश्ता था, मैं एक मिनट, प्रमोद महाजन से पारिवारिक रिश्ता था आपका, प्रमोद महाजन साधारण आदमी, पहली बात उनका पता है, एक मिनट, ये भ्रम किस दौर के सामने फैलाइएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप प्रमोद महाजन के साथ क्या कर रहे हैं, एक मिनट, प्रमोद महाजन को जवाब दो, बिल्कुल जवाब दीजिए, कन्हैया जी आपने अध्ययन तो किया है पर थोड़ा सा और अच्छा अध्ययन करते तो बेहतर होता। बहुत धन्यवाद। आप अध्ययन करते कि राम कदम सलाह देने के लिए, बहुत रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम कैसा है, राम कदम तुमने 2.25 लाख लोगों की गरीबों की यात्रा कैसे कराई, अच्छा होता एक स्कूल में साथ थे, केवल मात्र इतना ही संबंध है, आपके अध्ययन में थोड़ी कमी रहेगी, आप पीएचडी कर रहे हो, थोड़ी पीएचडी की नहीं, बात इसलिए उठ रही परिवार की क्योंकि ये आपके पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है, ये साधारण कार्यकर्ताओं की बात नहीं हो रही है, आप जैसे नेताओं की बात भी नहीं हो रही है, साधारण कार्यकर्ता हैं, नहीं मेरी बात नहीं, आपकी पार्टी, परिवार से नहीं, आपकी पार्टी, ना 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 साधारण परिवार से नहीं आया, आपकी पार्टी, साधारण परिवार से नहीं आया, आपकी पार्टी के अध्यक्ष, अरे मेरी बात सुनो, अरे पार्टी के, आपके पार्टी के, आपके पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है, आपके पार्टी के अध्यक्ष अगला कौन होगा, ये बोलेंगे नहीं, आपके पार्टी का अगला प्रियंका गांधी के बोलेंगे नहीं, हम जैसा कौन, आपको डर क्यों लग रहा है, किस बात का डर, आप नहीं, आप मेरी बात सुनो, बात पार्टी की हो रही है, पार्टी के नेतृत्व की हो रही है, आप ऐसा के पुत्र, जय शाह जी, अमित शाह के पुत्र, बोलो क्या आपत्ति है तुम्हें, पार्टी क्यों हो रही है, क्यों नहीं बने, क्यों परिवार वाला नहीं, एक मिनट, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बजाओ ताली, ना ना ना, अभी अभी अगर सवाल बीसीसीआई का सवाल ना, परिवार वाला नहीं है, देखिए अभी सवाल बात आपके पार्टी के अध्यक्ष की हो रही है, एक तेनी का बेटा, पार्टी का बेटा, ऐसे कन्हैया जी, कन्हैया जी, परिवारवाद नहीं, कन्हैया जी, और उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही, परिवारवाद की बात कांग्रेस नहीं कर सकती, खेला करते हैं, परिवार देखिए, खेला देश की जनता देख रही है, डर आप रहे हैं अध्यक्ष पे, आप आपकी पार्टी के अध्यक्ष की बात आती है तो आप हमेशा इधर उधर डाइवर्ट कर रहे हैं, पार्टी पार्टी का अध्यक्ष आपका एक ही परिवार से होता है, एक ही, सुनिए, बिल्कुल मैं सवाल का जवाब, बिल्कुल बिल्कुल, फालतू बात मत घूमिए, राहुल गांधी प्रियंका पर जवाब नहीं, सुनिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जरूरत नहीं है, बैठिए, बोलो, अरे सब सवाल का जवाब देंगे, सीताराम केसरी किस परिवार से थे, सीताराम केसरी जब थे, जब परिवार नहीं था पॉलिटिक्स में, उसके बाद फिर बात वापस आपने परिवार को बुलाया ना, परिवार नहीं था पॉलिटिक्स में, कैसी बात करते हैं, जब गांधी परिवार पॉलिटिक्स में नहीं था तब आपने सीता और सीताराम केसरी को हटाया कैसे, कैसे हटाया आपने सीताराम केसरी, सिर्फ गांधी परिवार के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं, नहीं, लेकिन सीताराम केसरी को कैसे हटाया था आपने, मैं कह रहा हूँ कि आप कैसे हटाया था आपने, एक परिवार के लोग ही कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, कैसे हटाया आपने सीताराम केसरी को, आपने नाम लिया सीताराम केसरी का, चुनाव होता है, आपने चुनाव से लोग अध्यक्ष बनते हैं, आपने चुनाव से अध्यक्ष बन सकते हैं, कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, एक मिनट, ये फालतू बात नहीं है, नहीं नहीं, आपने सीताराम केसरी का क्यों नाम लिया, किशोर जी, कन्हैया जी, आप मुझे एक फैक्ट बताइए, कन्हैया जी, कांग्रेस पार्टी का, कन्हैया जी एक मिनट, सिर्फ जो है गांधी परिवार से लोग हुए, अब तो ऐसा ही है, दूसरे परिवार से नहीं हुए, पहले तो हुए, अब तो ऐसा ही है ना, पहले हुए हैं ना, आप ही बोलोगे, सच है ना, आप ही बोलोगे, हम रही बात परिवारवाद की, अब मैं उस पे आता हूं, अब एक मुझे रही बात परिवारवाद की, परिवारवाद इस देश की राजनीति की समस्या है, कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिस पार्टी में परिवारवाद नहीं है, तो कांग्रेस में स्वीकार करते हो, कांग्रेस में स्वीकार करते हो क्या, कांग्रेस में है परिवारवाद, स्वीकार करते हो नहीं करते हो, अरे नहीं नहीं बोलिए, आप स्वयं कह रहे थे स्वीकार करते हो नहीं करते, पूरी भारतीय राजनीति में परिवारवाद, अच्छा, अच्छा, एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए, और आपके लिए भी, सुनिए, राम कदम जी, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, आपकी सारी सुन लीजिए, आप मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, दे रहा हूं जवाब, कि राजनाथ सिंह के बेटा को एमएलए कैसे बनाया, जवाब दे रहे हैं, देखिए कैसा है, इन्होंने एक बात सच कही, इस बात को इस बात को प्रामाणिकता से स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस दल में जैसे इन्होंने सीताराम जी का उदाहरण दिया तो वे भी अध्यक्ष बने, ये बात सच है, पर ये जानबूझकर के ये बात बताना भूल गए कि उनको अध्यक्ष पद पर बिठाया गांधी परिवार ने, यानी भले दूसरा अध्यक्ष बना पर किंग मेकर कौन रहा, गांधी परिवार ही रहा, अच्छा एक बात, देश को आजादी मिलने के बाद उस पल से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है या नहीं कर रही, बस इतना है, अब आप मुझे बताइए, आप सब लोग अपने दिल पे हाथ रख करके बोलिए, बोमई साहब इससे पहले इस सेशन में यहाँ बैठे हुए थे, उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया है, सच बोलना भाई, सच बोलना प्लीज,
कौन बनाया है मुख्यमंत्री बताओ, कौन बिठाया है? देखिए कौन बिठाया है, क्या और गुजरात ना, 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 गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, क्या नाम है उनका? नहीं पर मुझे एक बात बताइए, क्या नहीं गुजरात के मुख्यमंत्री? मैं आपका जवाब दे दूं, गुजरात के मुख्यमंत्री, मैं आपको जवाब दे दूं, दो मिनट सुन लो, अरे गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम मैं दो मिनट आपको जवाब दे दूं, सुन तो लो दो मिनट, कन्हैया जी उनके बारे में सवाल है, कन्हैया जी मैं आपको बता रहा हूं, आपने राजनाथ जी के बेटे के बारे में पूछा, अमित शाह, दो मिनट मुझे जवाब तो दो, दो मिनट मुख्यमंत्री बने थे, इससे आगे लेके जाओगे, अरे अभी गुजरात के मुख्यमंत्री, चलिए टाइम अप हो रहा है, उनको कौन मुख्यमंत्री बनाया जी, टाइम अप हो रहा है, रामकदम जी का सवाल ले लेता हूं मैं। देखिए भाजपा को भी ना दो लोग चला रही है, पहले ढाई लोग चला रहे थे, वो आधा लोग गायब हो गए हैं, दिवंगत हो गए हैं, अब दो लोग चला रहा है, मोदी साह की जो जोरी है ये पूरा भाजपा चला रही है, आपकी पार्टी में आपने अपनी, आप अपनी पार्टी का, आप ये नहीं, आप फिल्म दीवार के डायलॉग की तरह बोल रहे हैं कि भैया पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी मां पे ये लिख दिया, आपकी अपनी, आप अपनी पार्टी का बताओ ना, अरे वाह, आप अपनी पार्टी का बताओ, अपनी पार्टी का आपको जवाब नहीं है, साहब आप इधर घुमा रहे हो, किशोर साहब चलिए हम डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, सॉरी हम नहीं, आपको अमिताभ बच्चन बनने का मन हो गया, ना 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 देखिए इनके मन में कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन होने का मन है, तो सकल में अमिताभ बच्चन के साथ, टाइम आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए राम कदम जी, अंत में स्वीकार कर लो कि कांग्रेस भी परिवारवाद वाली पार्टी है। राम जी खुद है यहाँ पे, कन्हैया जी भी हैं, तो दोनों भगवानों के नाम तो यहाँ हैं, लेकिन वास्तव में लोग सुनना चाहते हैं कि कन्हैया जय श्री राम कहे। चलिए इन्होंने शायद उसी के लिए नारे हो, जय श्री राम। किशोर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और राम कदम जी का दिल्ली में स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इन्होंने हमसे आग्रह किया है कि मैं जय श्री राम कहूँ, शायद होमवर्क करके नहीं आए हैं राम कदम जी, मैं मिथिला से आता हूँ और मिथिला राम जी का ससुराल है, तो हम लोग कभी भी राम जी का नाम सीता जी के बिना नहीं लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं हमेशा श्री सीताराम, सीता जी और राम जी का नाम हम लोग साथ में लेते हैं, माता जानकी और राम जी का नाम हम साथ में लेते हैं, लेकिन राम कदम जी मुझे तो बार बार ये महसूस होता है कि राम का नाम अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जब आ रहा था तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो मुझे गार्ड भेजा गया है, जयपुर से हैं, राजस्थान से हैं, उनका नाम ही सीताराम है, लेकिन भाजपा के लोग जब राम के नाम पर राजनीति करते हैं तो मुझे राम कदम जी का नाम राम कदम नहीं नाथू राम कदम सुनाई देता है। मुझे भले कुछ भी कहे पर आपने जय श्री राम बोल दिया यही काफी है, क्योंकि नहीं नहीं जी जी, हाँ। मैं ये कह रहा था वो आप ही के भाड़े पे लाए गए लोग, आप भाजपा के नेताओं को कुछ भी कहे पर आपने जय श्री राम बोला ये भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि राम नाम ऐसा है, भले रावण भी राम नाम का 108 बार उसे पुकारे तो वो भी इस भव से पार हो जाता, ये राम की महिमा है। चलिए ये संवाद शुरू करने से पहले ही बात, हाँ, ऐसा नहीं है, मैं यही कहता हूँ, देखिए ये लोग रावण से होमवर्क नहीं किए, समाज मरा का मरा जब आप बोलते हैं तो राम सुनाई देता है। आपने गलत ले लिया, मैं कह रहा हूँ मरा मरा बोलने से राम सुनाई देता है, आप होमवर्क ठीक से कीजिए, आप बीजेपी के नेता हैं, राम के नाम पे आपकी दुकान चल रही है, कम से कम होमवर्क तो ठीक से करके आइए। मेरे एक बात बताइए, जब ना ना अब राम से शुरुआत ही हो गई है और विषय भी धर्म का है, तो बताइए कि जब अयोध्या में 450 वर्षों के संघर्ष के बाद जब भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा था, और आप अब जिस दल के नेता हो, उस कांग्रेस दल ने देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में 22 वकीलों की फौज इस कारण खड़ी की थी कि वो फैसला देरी से आए, क्या आप इस बात का समर्थन करते हो? राम कदम जी, मैं फिर कहता हूँ, हिंदू धर्म को समझने में आपने गलती कर दी है, आप मुझे बताइए कि इस ब्रह्मांड का कौन सा ऐसा हिस्सा है, अयोध्या का कौन सा ऐसा चप्पा है, हम कहते हैं कि कण कण में राम होते हैं, आप में भी राम है, उनमें भी राम है, सब में राम है, आपने राम की एक अलग परिभाषा इसलिए बनाई है ताकि नाथू राम की सत्ता आप चला सकें, नाथू राम की विचारधारा वाली सरकार चला सकें,
मुद्दे को भटकाइए नहीं, ये सरकार में है, देश में पावर में है, इनसे मुद्दा का सवाल कीजिए, ये इधर उधर की बात करेंगे, इनसे पूछिए कि रसोई गैस का कीमत क्यों बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है, अभी जो कमर्शियल गैस सिलेंडर का प्राइस है उसको 101 रुपया क्यों बढ़ा दिया गया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आप बताइए कि 3 साल में रेलवे ग्रुप डी की भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, आप बताइए कि बीएसएनएल को क्यों बेचा जा रहा है, एयर इंडिया को क्यों बेचा जा रहा है, मुद्दा मत भटकाइए साहब। हो गया आपका, देखिए एक बात को स्वीकार करिए कि आप बोलते समय मैंने आपको टोका नहीं, तो उसके साथ साथ ये चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तो आप नहीं टोके। हमने पूछा था कि राम मंदिर के फैसले को कांग्रेस दल बोल के माइक सर्वोच्च न्यायपालिका में 22 वकील खड़े किए कि वो फैसला देरी से आए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि ये राम से ऊपर हैं, यही है ना इनके कहने का मतलब, राम जी का फैसला जो है, राम जी का फैसला जो है वो ये करेंगे। आप मुझे बताइए, धर्म इंसान के लिए होता है, इंसान धर्म को बनाया है, धर्म के नाम पर इंसानों को आपस में लड़ाना, धर्म के नाम पर इंसानों की जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी, उसको गुमराह करना, ये सही बात है? ये नहीं, कभी नहीं, भी जो है सरकार जब चला रहे हैं तो देश की जनता का जो सवाल है उसका जवाब देने की बजाय ये धर्म लेकर के आ जाते हैं। मुद्दे को बताइए, किशोर जी ने सुनिए सुनिए, फिर जवाब नहीं दिया, दो बार पूछने के बाद आपका जवाब लूंगा, आपका जवाब लूंगा, आपका जवाब लूंगा। मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दा जहां से शुरू हुआ था, जो हम शुरू करना चाह रहे थे वो ये कि आप धर्म में भी ये कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक ही चीज है, वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है एक ऐसी विचारधारा है जिसके साथ वो नहीं है और वो हिंदू धर्म से अलग है, सही कह रहा हूं मैं? आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात खुद कहेंगे, आपने मुझे माइक दिया है बोलने के लिए। ये कह रहे हैं मतलब कि आपकी पार्टी कह रही है, मैं ही कह रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, क्या फर्क है हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदुत्व? देखिए पहली बात तो ये है कि ये बहस मैं समझता हूं बिना मतलब का है। क्यों बिना मतलब का? इसलिए है कि बहस तो वहीं से शुरू हुई ना जहां से ये किताबें आई हैं, जब आपके नेताओं, आपकी पार्टी के नेताओं ने कुछ किताबें लिख दी, ठीक है, उन्होंने किताब लिखी है, उस पर बहस भी हो रही है, लोग चर्चा भी कर रहे हैं जी। लेकिन मैं यहाँ जब चौपाल में बात करने के लिए आया हूँ तो मैं इस देश की आम नागरिक के हैसियत से आकर के यहाँ बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब देश में साल में एक बार कोई बड़े चैनल पे बहस हो तो देश के लोगों की जो आम परेशानी है उस पर बात हो। आप कह रहे हैं आम लोगों से परे है ये बहस, आम लोगों को इस बहस से मतलब नहीं है। बिल्कुल बहस, देखिए मैं यही कहता हूँ, आरएसएस के जो राम है ना उसका एक राजनीतिक उद्देश्य होगा। अब लेकिन मेरी दादी, अभी आपने कहा इनमें राम है मुझमें राम है, मैं वही कह रहा हूं, आरएसएस के राम अलग है। दादी जो है, मेरे घर के जो लोग हैं, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे गांव के जो लोग हैं, उनके जो राम है ना वो उनके आस्था का विषय है और वो बिना मतलब का इसके नाम पे कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि राम जी का नाम लेकर तो राम का नाम बिना मतलब के हो ही नहीं रही है, बिल्कुल मतलब से हो रही है, गुमराह किया जाए, ये बिल्कुल मतलब से हो रही है राजनीति। आपने कहा ना बिना मतलब से, बिल्कुल मतलब से हो रही है, दिख रहा है ये राजनीति सब तरफ से मतलब से हो रही है। हम कह रहे हैं कि ये धर्म के आधार पर इस देश में किसी भी प्रकार की राजनीति खतरनाक है और ये इसलिए हो रही है ताकि इस देश के लोगों का जो आम सवाल है, मैं जो बार बार कहता हूँ, अब आप देखिए कि 3 साल से रेलवे के ग्रुप डी की भर्ती नहीं निकाली गई है। आप कोई डिपार्टमेंट उठा करके देख लीजिए, बैंक में बहाली नहीं हो रही है। आप मीडिया में नौकरी करते हैं साहब, आपको पता है कोविड के दौरान लोगों की नौकरियां चली गई, वर्कफोर्स को घटाने के नाम पर छटनी किया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि महंगाई रोज बढ़ रही है। चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं, चुनाव अभी भी पहचान पे लड़े जा रहे हैं, आइडेंटिटी पे लड़े जा रहे हैं। आपकी पार्टी भी जहां जा जाती है, अभी अभी कुछ देर पहले सचिन पायलट आए थे, उनसे पूछा कि मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ तो उन्होंने बोला कि पहली बार कुछ दलित मंत्री बनाए गए हैं। बात दलित की हो गई, वहां आपने पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बना दिया, उसको भी आप कह रहे हैं कि ये भी तमगा है। आप तो बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, आप उसकी बात नहीं कर रहे जो मुद्दे आप अभी उठा रहे हैं। आप जब लोगों के बीच जाते हैं तब आप भी पहचान लेके जाते नहीं, हैं नहीं, नहीं, हम लोगों के बीच में जब जाते हैं तो लोगों के मुद्दों की ही बात करते हैं। ये भाजपा है जो बार बार धर्म का नाम लेकर के लोगों के जो बुनियादी सवाल है उसको गुमराह करने का काम करती है। अब इन्होंने यहाँ जब ये आकर के बैठे हैं तो ये सवाल ये पूछ सकते थे कि आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो जब आपकी सरकार की थी तो आपने क्या किया, ये सवाल होना चाहिए। लेकिन ये सवाल ये हमसे नहीं पूछ रहे हैं। देखिए अगर आप एक मिनट राम जी, मैं आपको बताऊँ, अगर आप
हमको सवाल बताएंगे तो फिर हम आपको जवाब बताएंगे। नहीं नहीं, हम आपको सवाल नहीं, हम प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि आपको सवाल लिख करके दे देंगे। हम लिखा हुआ इंटरव्यू दे रहे हैं। प्रियंका जी भी मंदिर जा रही है, राहुल जी भी मंदिर जा रहे थे, जनेऊ भी दिखा रहे थे, वो अगर वो कर सकते हैं तो ये मंदिर जाने में कोई बुराई नहीं, चुनाव के टाइम मस्जिद जाने में भी कोई बुराई नहीं, गिरिजाघर जाने में भी बुराई नहीं, गुरुद्वारे में जाने में भी बुराई नहीं। राम जी, आप, मैं यही कहता हूँ, देखिए इसकी जो एक अलग व्याख्या की जाती है ना, ये खतरनाक है। ये देश है, सभी धर्म के लोगों का देश है। जब आप पब्लिक फिगर हैं, आपको कोई अपने धार्मिक आस्था के हिसाब से अपने किसी धार्मिक संस्थान में लेकर के जाता है तो आप जाते हैं, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, देश में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप विकास की बात कीजिए, आप मुद्दे की बात कीजिए, आप बेकारी की बात कीजिए, आप महंगाई की बात कीजिए। राम जी जवाब देखिए, आप इस बात को स्वीकार करें कि लगातार चुनाव में हार के बाद ऐसा कौन सा कारण था कि आपके नेता राहुल गांधी को जनेऊ पहनना पड़ा, मंदिर मंदिर द्वार जाकर के मत्था टेकना पड़ा? कौन सा कारण था? क्या उस समय वो राजनीति से प्रेरित नहीं था? तो इसलिए कन्हैया जी, आप बोलते बड़ा प्यारा हो, पर इस तरह से नहीं, आप प्रामाणिकता से पक्ष रखिए कि कांग्रेस दल ने राम मंदिर को सर्वोच्च न्यायालय में विरोध किया, अप्रत्यक्ष रूप से गलत किया। ये लोग सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। बिहार और उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश बिहार के वासी हैं, उनको आने के लिए कांग्रेस दल ने कोई सुविधा नहीं दी, उनको वहां से भगा दिया। इस पर कांग्रेस पर आप प्रहार करिए। आपसे लोग सच सुनना चाहते हैं, और वह सच ये है कि यह दोगला नहीं हो सकता। मैंने तो प्रामाणिकता से आके, राम मेरी श्रद्धा है, आस्था है, मैंने जय श्री राम कहा, उसमें क्या गलत कहा? आपका नाम कन्हैया है, मैंने आपको भी कहा, आप भी कहिए जय श्री राम, जय कृष्ण कहिए, उसमें क्या गलत कहा? गलत, पर इसको आप राजनीति से आप जोड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं, ये पूरी तरह से सरासर दोगलापन है। यानी प्रियंका गांधी मंदिर में जाए वो सब सही, राहुल गांधी नकली जनेऊ पहने वो सब सही, पर राम मंदिर के लिए 450 वर्ष हिंदू भाई अगर संघर्ष करें तो उसमें आपको दोगलापन दिखे, ये कैसे हो सकता है? एक तो मैं बार बार कहता हूं कि विकास की भी बात करेंगे कन्हैया जी, विकास के हर मुद्दे की बात करेंगे। जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल मात्र 7 वर्षों में कैसे किया, और पूरे विश्व के नेता कैसे बने, इस पर पूरे आंकड़ों के साथ बात करेंगे। अच्छा, ये तो आपने खुद स्वीकार कर लिया कि जो 70 साल में नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी ने 7 साल में कर दिया, ये तो आपने नहीं, 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 अब ये सारे लोग पूछ लो इनसे, आप स्वीकार करते नहीं करते? 218 दिन में 100 करोड़ टीके लगे नहीं लगे, ये क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच नहीं है? आज 125 करोड़ टीके लगे और वो टीके इस मां भारती के भूमि पर बने, क्या ये प्रधानमंत्री की सोच नहीं है? चलिए, अब सारा विश्व प्रधानमंत्री जी के कार्य को सलाम कर रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री है, आप भी सीना चौड़ा करके कहिए कि वाह मोदी जी, आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो। देखो, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए आपको बहुत मुद्दे मिलेंगे, बहुत बिंदु मिलेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे, पर जहां पर एक भारतीय होने के नाते जब भारत की मिट्टी में कुछ अगर टीका बनता है और सारा विश्व अगर भारत को अगर ऊपर के स्थान पर देखता है तो आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए, तो आपको भी लगना चाहिए प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं, क्यों नहीं होता है? अच्छा, तो अब मैं बताऊं बारी बारी से। पहली बात तो ये कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई राम का नाम लेता है, कोई कृष्ण का नाम लेता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये देश एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं, यहाँ कबीर भी हैं, नानक भी हैं, बुद्ध भी हैं। ये अपने गले में जो भगवा लगा के बैठे हुए हैं ना, ये भगवा सिर्फ भाजपा का नहीं है, महात्मा बुद्ध के छीबड़ का रंग भगवा है, शिवाजी महाराज के झंडे का रंग भगवा है, संभाजी के महाराज का रंग, ये वहीं महाराष्ट्र से आते हैं, उनके झंडे का रंग भगवा है, और तो और जिस तिरंगे को ये नहीं मानते थे उस तिरंगे में भी भगवा रंग है। ये आपका रंग है, हमारा रंग है, ऐसी बात नहीं है, ये इस देश का रंग है। एक तिरंगे को मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते। भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। कहिए एक बार। अच्छा एक बात देखिए, नहीं नहीं कहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय हम कहते हैं। 10 फरवरी 2016 में, 10 फरवरी 2016 में कहा था, मेरी माँ का, मेरी पत्नी का भारत माता की नाम जय कहूंगा, ताकि वो स्कूल में जब बच्चा जाएगा उसका भी नाम भारत माता की जय कहूंगा, ताकि उसको स्कूल वाले फीस माफ कर दे। राम कदम जी का टिप्पणी नहीं, राम कदम जी सुनिए, आप सुनिए, ऐसा है क्या है ना, आप मेरे अंदर का बिहारी जगा दिए हैं, सुनिए आप।
अब सुनिए आप, नहीं नहीं ये बिहारी जो है सुनिए, भारतीय पहला भारतीय होता है, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। अभी तक मैं इनसे बड़ा तमीज से बात कर रहा था, अब ये मेरे अंदर का बिहारी जगाए हैं। सुनिए, आपको संबित पात्रा बनने का शौक है ना, ना, ना तो ना। यही सवाल वो हमसे पूछे थे और उनको हम जवाब दिए थे। जवाब जानते हैं क्या दिए थे? कि भारत माता की जय हम बोलते हैं, आप गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो गोडसे बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। जिसने हत्या की है घोड़से के कार्य का हमने कभी समर्थन किया है? घोड़से मुर्दाबाद बोलते हैं, समर्थन किया है, किया है भाई, निंदनीय है। आरएसएस के ऑफिस में, आरएसएस के ऑफिस में घोड़से का फोटो लगाया हुआ है। ग्वालियर में आपने घोड़से का जो है घोड़से का मंदिर बनाया है। ये सब ना तुतू मैं नहीं कीजिए मेरे साथ, तुतू मैं का जवाब हमको देने के लिए आता है। आप सवाल का जवाब सुनिए, पूरा भूल लीजिए, आप सुनिए, आप माइक रखिए, आप माइक रखिए, हम आपका सवाल का जवाब देते हैं। 10 सेकंड वो उधर मत जाइए, वो हमको करने के लिए आता है। मैं ये कहा, आपने कहा घोड़से मुर्दाबाद कही है, हमने घोड़से जिंदाबाद कब कहा? हमेशा से। कब कहा? हमेशा से। हमने कब कब गांधी की विचारधारा का हमने अपमान कब किया? बोलिए ना, बोलिए ना, घोड़से मुर्दाबाद, आप बोलिए घोड़से मुर्दाबाद, बोलिए घोड़से मुर्दाबाद, माइक लेके बोलिए। अरे घोड़से के किसी कार्य का हमने समर्थन नहीं किया, घोड़से मुर्दाबाद ही नहीं कहा, घोड़से मुर्दाबाद। बोलिए ना घोड़से मुर्दाबाद, गजब हाल है, बोलिए घोड़से मुर्दाबाद। काय नहीं बोल रहे हैं, रामकृष्ण जी सस्पेंड हो जाइएगा, उसी पॉइंट कल पार्टी से निकाल दिया जाएगा, डर काय लग रहा है? बोलिए एक बार मुर्दाबाद, हम भारत माता की जय बोलते हैं, इनको बोलिए घोड़से मुर्दाबाद। बोला इन्होंने, बोलो बोलो, बोलिए बोलिए, सुन लीजिए। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। आपके समाधान के लिए कहे, नहीं समाधान के लिए, अपने मन से दिल से बोलिए, अगर गांधी को मानते हैं तो दिल से बोलिए। घोड़से ने जो कार्य किया है वह निंदनीय है। क्या कार्य किया का, नहीं नहीं, घोड़से ने क्या कार्य किया है? महात्मा गांधी को जो क्या, हत्या महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी जी की हत्या क्या की है? वध नहीं किया है, निंदनीय है, वध नहीं किया है। वध नहीं बोलते हैं ना, क्या कि महात्मा गांधी का वध किया गया, ये नहीं बोलते हैं ना, हत्या की है ना विषय क्या? नहीं नहीं, मैं बुलवाता हूँ ना, ये देखिए मुंह में जवान रख करके बात मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। शब्दों में कहूँ, ये अभिव्यक्ति मेरी है, आप मैं उसी तरह से मेरी भी है, संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल उसी तरह से अभिव्यक्ति मेरी भी है, मेरी है। मैं बोलूंगा जय श्री राम, भारत माता की जय, वो मेरी अभिव्यक्ति है। आप कौन होते हैं बुलवाने वाले? आप कौन होते हैं बुलवाने वाले? आपके कहने से क्यों बोलेंगे? भारत माता की जय की अभिव्यक्ति मेरी है, जय श्री राम बोलने की अभिव्यक्ति मेरी है, उसी तरह से हर इंडिविजुअल की अभिव्यक्ति है। आपको ये टेंडर किसने दिया है? माथा पे जो है ललका गमछा लगा करके, भगवा गमछा लगा करके, हरा गमछा लगा करके आप तय कीजिएगा कि कौन क्या बोलेगा। देखिए आप मुद्दा पे आइए, भटकाइए मत, आधा घंटा का समय है, ठीक है? मुद्दा इन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी, मुझे जवाब देने दीजिए, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, मुझे बताइए कि कांग्रेस का अटल बिहारी वाजपेयी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, मोदी जी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री मंदिर नहीं जाते थे? नहीं नहीं, इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी मंदिर नहीं जाती थी? इसमें सवाल ये कि चुनावों के वक्त, देखिए चुनावों के वक्त जाना वो दिखाना उस पे सवाल है, मंदिर जाने वो तो आपके कैमरा का प्रॉब्लम है ना, कि आप चुनाव के वक्त उनके पीछे पीछे लेके घूमते हैं, रोज सुबह में आप कैमरा लेके थोड़ी उनके पास रहते हैं, कब मंदिर जाते हैं कब मंदिर नहीं जाते हैं। ऐसा है, फिर ये कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है, मैं गमछा पहनो भगवा इन्हें दर्द है, नहीं नहीं आप कैमरा, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है, दर्द है मुझे, दर्द नहीं है। आप एक बार आपकी, अरे आप पैजामा भी भगवा पहन लीजिए महाराज, आप कुर्ता भी भगवा पहन लीजिए, आप माथे पे भी भगवा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आफत है, ऐसे नहीं हो सकता, नहीं मुझे उनसे आफत नहीं है। मैं कांग्रेस, सुनिए अंग्रेज वाला चाल नहीं चलेगा, फूट डालो राज करो, होशियारी इधर मत कीजिए, उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं, आपसे हम झगड़ा कर रहे हैं, ये सब होशियारी मेरे साथ मत कीजिए। हमारा तो आपसे झगड़ा ही नहीं है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है, नहीं यही अंतर है। आप कांग्रेसी लोग जिसे झगड़ा समझते हो, भारतीय जनता पार्टी उसे विचारधारा की लड़ाई समझती है। कौन सी विचारधारा? भेद है, कौन सी विचारधारा? विचारधारा किसकी? विचारधारा, सुनिए एक बात ये बताएं, नमस्ते, भाजपा, भाजपा किसके विचारधारा पे चलती है? पांच नाम बताइए, भाजपा की विचारधारा किसको फॉलो करती है? पांच नाम बताइए, हम गिनते हैं, बोलिए, बताओ। हाँ शांति से सुनेंगे, हाँ शांति से, अभी आपकी भाषा में माइक रखिए। हाँ चलिए, आपको संक्षिप्त में बताता हूँ, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम। अरे तो शाखा में पढ़ाया जाता है, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं क्या? मैं कौन सा दर्शी हूँ? आप कौन सा वर्ष किए हैं? शाखा का कौन सा वर्ष करके आए हैं? आपने प्रथम वर्ष, आपने पांच आदमी का नाम हम पूछे, इन्होंने पूछा मुझे क्या विचारधारा, तो माँ भारती के लिए मर मिट जाने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर देश का नागरिक, यह विचारधारा। सुनिए, आपकी माता भारत माता है,
सबकी भारत माता माता मेरी है, माता भी भारत माता है ना? अभी पता नहीं, आपको बताना होगा। तुम क्या आपको हम पेड़ पे लटके नहीं, 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 थे? जैन में 9 फरवरी को हम पेड़ पे लटके हुए थे। ना, मेरी ना, आपकी माता भारत माता है, गजब हाल है। ये जैन में 9 फरवरी 2016 में भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे किसने और क्यों लगाए थे? अरे ऐसा नहीं था, हम बताते हैं। बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन दे रहा था ये बताइए? अरे ओरिजिनल नारा इनको पता नहीं है। जवाब जवाब जवाब, ये नारा नहीं था, ठीक है। वो आपको जीन्यू जाना पड़ेगा, नेटवर्क 18 के पास वो फुटेज नहीं है। अब सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। 5 व्यक्ति का नाम बताइए जिस व्यक्ति की विचारधारा पे आरएसएस बीजेपी चलती है। 5 व्यक्ति का नाम बताइए, सीधा सीधा। जो प्रार्थना है, हाँ पता है मुझे वो प्रार्थना ना, ना, है। उसके उसके उसका अर्थ बता। 5 व्यक्ति का नाम बता रहे, संस्कृत में है। 5 व्यक्ति का नाम नहीं बताएंगे? अरे मोदी, अमित शाह, योगी, संबित पात्रा, यही गिना दीजिए, स्मृति ईरानी। 5 बोलिए ना महाराज, काहे घबरा रहे हैं? हो गया 5 नाम हो गया, तब मैं जवाब दूंगा। हो गया, मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी क्या है, मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी होने का क्या मतलब होता है। कांग्रेसी होने का क्या मतलब ये बताता हूँ। कांग्रेसी होने का मतलब होता है आपके भी इस देश में, मैं देता हूँ आपके, आपका पास जवाब नहीं है, मैं जवाब देता हूँ। ऐसे नहीं होगा, कांग्रेसी होने का मतलब है इस देश के 5,000 साल के इतिहास और उसकी विरासत को अपने आप में समेटना। कांग्रेसी होने का मतलब होता है नानक के विचारों पर चलना। कांग्रेसी होने का मतलब होता है कबीर के उस कांग्रेस को समझना जिसमें हम कहते हैं, सुन लीजिए, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। एक मिनट, कबीर के उस लाइन, एक मिनट, कांग्रेस उसका, आप आ जाइए ना राम कदम जी, आपका सपोर्टर आपसे ज्यादा मजबूत है, आप नीचे बैठ जाइए, उसको यहाँ भेज दीजिए। एक मिनट राम कदम जी, उस आदमी को, एक क्या नाम है भाई जी आपका, उस आदमी को यहाँ बैठाइए किशोर जी, और इनको वहाँ भेज दीजिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट राम जी, राम मैं बताता हूँ। पहली बात तो 5,000 साल पहले कांग्रेस थी नहीं। हाँ। कांग्रेस की विचारधारा की आप बात करेंगे? कांग्रेस की विचारधारा कहें कि कांग्रेस की विचारधारा गांधी की विचारधारा है। आप खुद कांग्रेस की, कांग्रेस में अभी आए हैं, आप खुद आए अभी कांग्रेस में, पटेल की विचारधारा, अभी से कुछ दिन पहले तो आप ही कांग्रेस में नहीं थे, इसका क्या मतलब है? नहीं तो आप कांग्रेस की विचारधारा लेके जो आ रहे हैं, ये मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो हम गांधी के खिलाफ थे। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो नेहरू के खिलाफ थे। इसका ये मतलब है, ये थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। अच्छा, अगर आप जिस पार्टी में थे वो पार्टी किसको मानती थी? जोसेफ स्टालिन को? नहीं, हम कभी स्टालिन को नहीं माने थे। आप स्टालिन को कभी नहीं माने? कभी नहीं माने। आपने तिरस्कार किया स्टालिन का? आपके मंच पे किया है, आपके मंच पे ऑन कैमरा किया है, आपके मंच पे ऑन कैमरा किया। कागज पे लिख के दे दीजिए ना, आइए कागज पे लिख के दे दीजिए। वो उनको टीका टिप्पणी बता रहे हैं, कागज पे लिख के पहुंचा दीजिए। बोलिए, एक मिनट। हाँ मुझे पता है, मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे पता नहीं होगा, मैं 2019 का चुनाव लड़ा हूँ तो। एक मिनट, हाँ बैठिए, एक मिनट। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है, हमको बता रहे नहीं है, मेरा जनरल नॉलेज कमजोर नहीं है, मुझे पता है मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, आपका जवाब दे दूं मैं कन्हैया जी, आप सवाल पूछो तो जवाब भी सुन लीजिए। एक आप कहां ना, मेरे सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा किनके विचारों के आधार पर हमारा दल चलता है, लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर जो गरीब व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान के विचार, उसके उत्थान के विचारधारा पर हमारा दल चलता है। ये एनसीआरटी तुम्हारी कांग्रेस का दल जो है केवल और केवल गांधी घराना। नहीं, नहीं नहीं, जो कल राहुल गांधी शादी कर ले तो उनका पोता भी वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा भविष्य का, इस प्रकार से तुम्हारी विचारधारा है। सुनिए, वो दल है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? इसको जानते हैं क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेशर्मी। अभी जो बोमई यहाँ पे बैठा हुआ था उसका बाप कौन था? जयसा कौन है? फुफा है आपका? कौन है बोमई? कौन है भाषा मर्यादित? कौन है जैसा? परिवारवाद की बात करते हैं, ठीक है? कौन है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताइए, कौन से परिवार से आते हैं? बताइए ना, लोगों को बताइए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कौन से परिवार से आते हैं, बताइए लोगों को। खाली नरेंद्र मोदी, एक आम आदमी एक गरीब परिवार से देश का प्रधानमंत्री केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बन सकता है? मेरे पिताजी कौन है ये बताइए? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। सुनिए ना, मेरे पिताजी जहाँ पे केवल और केवल गांधी परिवार तय करेगा वो मंत्री होगा, गांधी परिवार तय करेगा वो उस दल का अध्यक्ष बनेगा। ये झूठ है, ये ऐसा नहीं है, ये झूठ है। मैं इनको अभी पूछ रहा हूँ कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री अभी से इस सेशन के पहले यहाँ के भाषण दे रहे थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में इनके मुंह में दही जम गया है।
जयशाह के बारे में सवाल पूछ रहे हैं तो उसके पलते इनके मुंह में पान आ गया। आपकी पार्टी के परिवार, सुनिए, नरेंद्र मोदी साधारण परिवार से हैं, मेरे पिताजी कौन थे? राहुल गांधी साधारण परिवार से कौन थे? राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है। साधारण परिवार से, बिल्कुल साधारण परिवार से। प्रमोद महाजन के साथ क्या कर रहे थे? कोई नहीं था, मेरा पारिवारिक किस्सा था। प्रमोद महाजन से पारिवारिक किस्सा था आपका? प्रमोद महाजन साधारण आदमी। पहली बात, उनका पता है, ये भ्रम किस दौर के सामने फैलाइएगा? एक मिनट, आप प्रमोद महाजन के साथ क्या कर रहे हैं? एक मिनट, प्रमोद महाजन को जवाब दो, जवाब दो, बिल्कुल जवाब दीजिए। कन्हैया जी, आपने अध्ययन तो किया है, पर थोड़ा सा और अच्छा अध्ययन करते तो बेहतर होता। बहुत धन्यवाद। आप अध्ययन करते कि राम कदम सलाह देने के लिए बहुत धन्यवाद। तुम्हारा नाम कैसा है? राम कदम, तुमने 2.25 लाख लोगों की गरीबों की यात्रा कैसे कराई? अच्छा होता। प्रमोद महाजन एक स्कूल में साथ थे, केवल मात्र इतना ही संबंध है। आपके अध्ययन में थोड़ी कमी रहेगी, आप पीएचडी कर रहे हो। थोड़ी पीएचडी किए हैं, नहीं, बात इसलिए उठ रही परिवार की, क्योंकि ये आपके पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है। ये साधारण कार्यकर्ताओं की बात नहीं हो रही है, आप जैसे नेताओं की बात भी नहीं हो रही है। साधारण कार्यकर्ता हैं? नहीं, मेरी बात नहीं, आपकी पार्टी परिवार से नहीं आए। आपकी पार्टी साधारण परिवार से नहीं आए। अमित शाह कौन है? आपकी पार्टी साधारण परिवार से नहीं आए। आपकी पार्टी के अध्यक्ष, अरे मेरी बात सुनो, अरे पार्टी के, आपके पार्टी के, आपके पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है। आपके पार्टी के अध्यक्ष अगला कौन होगा? ये बोलेंगे नहीं। आपके पार्टी का अगला प्रियंका गांधी के बोलेंगे नहीं। हम जैसा कौन, आपको डर क्यों लग रहा है? किस बात का डर? आप नहीं, आप मेरी बात सुनो, बात पार्टी की हो रही है, पार्टी के नेतृत्व की हो रही है। आप के पुत्र, जय शाह जी, अमित शाह के पुत्र है, बोलो क्या आपत्ति है तुम्हें? पार्टी क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? क्यों परिवार वाले? एक मिनट, परिवार वाले नहीं है। मेरी बात सुनिए, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया, ना ना, बहुत बजाओ ताली। ना ना ना, अभी अभी अगर सवाल बीसीसीआई का सवाल ना, परिवार वाले नहीं है। देखिए, अभी सवाल बात आपके पार्टी के अध्यक्ष की हो रही है। सुनिए, एक तेनी का बेटा, देखो पार्टी का बेटा ऐसे कन्हैया जी, कन्हैया जी, परिवारवाद नहीं, कन्हैया जी, और उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही। परिवारवाद की बात कांग्रेस नहीं कर सकती। खेला करते हैं, परिवार देखिए, खेला देश की जनता देख रही है। डर आप रहे हैं अध्यक्ष में, जब आपकी पार्टी के अध्यक्ष की बात आती है तो आप हमेशा इधर उधर डाइवर्ट कर रहे हैं। पार्टी का अध्यक्ष आपका एक ही परिवार से होता है, एक ही। सुनिए, बिल्कुल मैं सवाल का जवाब, बिल्कुल बिल्कुल फालतू बात मत घुमाइए। गांधी प्रियंका पर जवाब नहीं है। सुनिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जरूरत नहीं है, बैठिए। बोलो, अरे सब सवाल का जवाब देंगे। सीताराम केसरी किस परिवार से थे? सीताराम केसरी जब थे, जब परिवार नहीं था पॉलिटिक्स में, उसके बाद फिर बात वापस आपने परिवार को बुलाया ना? परिवार नहीं था पॉलिटिक्स में, कैसी बात करते हैं? जब गांधी परिवार पॉलिटिक्स में नहीं था, तब आपने सीताराम केसरी को हटाया कैसे? कैसे हटाया आपने सीताराम केसरी? सिर्फ गांधी परिवार के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं? नहीं, लेकिन सीताराम केसरी को कैसे हटाया था आपने? मैं कह रहा हूँ कि आप कैसे हटाया था आपने, कि एक परिवार के लोग ही कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं? कैसे हटाया आपने सीताराम केसरी को? आपने नाम लिया सीताराम केसरी का? चुनाव होता है, आपने चुनाव से लोग अध्यक्ष बनते हैं। आपने चुनाव से अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। ये फालतू बात नहीं है। नहीं नहीं, आपने सीताराम केसरी का क्यों नाम लिया? कन्हैया जी, आप मुझे एक फैक्ट बताइए। कन्हैया जी, कांग्रेस पार्टी का, कन्हैया जी एक मिनट, सिर्फ जो है गांधी परिवार से लोग हुए हैं? अब तो ऐसा ही है, दूसरे परिवार से नहीं हुए हैं? पहले तो हुए, अब तो ऐसा ही है ना? पहले हुए हैं ना? आप ही बोलोगे, सच है ना? आप ही बोलोगे। हम रही बात परिवारवाद की, अब उस पे आता हूँ। अब मुझे जवाब देने, बात परिवारवाद की, परिवारवाद इस देश की राजनीति की समस्या है। कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिस पार्टी में परिवारवाद नहीं है। तो कांग्रेस में स्वीकार करते हो? कांग्रेस में स्वीकार करते हो क्या? कांग्रेस में है परिवारवाद, स्वीकार करते हो नहीं करते हो? अरे नहीं नहीं, बोलिए, आप स्वयं कह रहे थे स्वीकार करते हो नहीं करते हो? पूरी भारतीय राजनीति में परिवारवाद है। अच्छा, एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए, और आपके लिए भी ना, सुनिए राम कदम जी, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, आपकी सारी सुन लीजिए। आप मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। दे रहा हूँ जवाब, कि राजनाथ सिंह के बेटा को एमएलए कैसे बनाया? जवाब दे रहे हैं। देखिए कैसा है, इन्होंने एक बात सच कही, इस बात को हमने सारी बात से, ना ना, इस बात को प्रामाणिकता से स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस दल में जैसे इन्होंने सीताराम जी का उदाहरण दिया तो वे भी अध्यक्ष बने, ये बात सच है। पर ये जानबूझकर के ये बात बताना भूल गए कि उनको अध्यक्ष पद पर बिठाया गांधी परिवार ने, यानी भले दूसरा अध्यक्ष बना पर किंग मेकर कौन रहा? गांधी परिवार ही रहा। अच्छा, एक बात, देश को आजादी मिलने के बाद उस पल से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है या नहीं कर रही? हो गया, बस इतना है। अब आप मुझे बताइए, आप सब लोग अपने दिल पे हाथ रख करके बोलिए, बोमई साहब इससे पहले इस सेशन में यहां बैठे हुए थे, उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया है? सच बोलना भाई, सच बोलना प्लीज।
कौन बनाया है मुख्यमंत्री बताओ, कौन बिठाया है? देखिए कौन बिठाया है, क्या और गुजरात गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, क्या नाम है उनका? नहीं, पर मुझे एक बात बताइए, क्या नहीं गुजरात के मुख्यमंत्री? मैं आपका जवाब दे दूं, गुजरात के मुख्यमंत्री, मैं आपको जवाब दे दूं, दो मिनट सुन लो, गुजरात के मुख्यमंत्री आपको जवाब दे दूं, सुन तो लो दो मिनट के, कन्हैया उनके बारे में सवाल है, कन्हैया जी मैं आपको बता रहा हूं, आपने राजनाथ जी के बेटे के बारे में पूछा, अमित शाह, दो मिनट मुझे जवाब तो दो, गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, आगे लेके जाओगे, अरे अभी गुजरात के मुख्यमंत्री, टाइम अप हो रहा है, उनको कौन मुख्यमंत्री बनाया जी? टाइम अप हो रहा है, रामकदम जी का सवाल ले लेता हूं मैं। देखिए भाजपा को भी ना दो लोग चला रही है, पहले ढाई लोग चला रहे थे, वो आधा लोग गायब हो गए हैं, दिवंगत हो गए हैं, अब दो लोग चला रहा है, मोदी साह की जो जोरी है ये पूरा भाजपा चला रही है, आपकी पार्टी में, आपने अपनी, आप अपनी पार्टी का, आप ये नहीं, आप फिल्म दीवार के डायलॉग की तरह बोल रहे हैं कि भैया पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी मां पे ये लिख दिया, आपकी अपनी, आप अपनी पार्टी का बताओ ना, अरे वाह, आप अपनी पार्टी का बताओ, अपनी पार्टी का आपको जवाब नहीं है, साहब आप इधर घुमा रहे हो, किशोर साहब चलिए, हम डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, सॉरी हम नहीं, आपको अमिताभ बच्चन बनने का मन हो गया, ना ना देखिए इनके मन में कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन होने का मन है, तो सकल में अमिताभ बच्चन के साथ, टाइम आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, राम कदम जी, अंत में स्वीकार कर लो कि कांग्रेस भी परिवारवाद वाली पार्टी है। राम जी खुद है यहाँ पे, कन्हैया जी भी हैं, तो दोनों भगवानों के नाम तो यहाँ हैं, लेकिन वास्तव में लोग सुनना चाहते हैं कि कन्हैया जय श्री राम कहे। चलिए इन्होंने शायद उसी के लिए नारे हो, जय श्री राम। किशोर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और राम कदम जी का दिल्ली में स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इन्होंने हमसे आग्रह किया है कि मैं जय श्री राम कहूं, शायद होमवर्क करके नहीं आए हैं राम कदम जी, मैं मिथिला से आता हूं, मैं मिथिला से आता हूं, और मिथिला राम जी का ससुराल है, तो हम लोग कभी भी राम जी का नाम सीता जी के बिना नहीं लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं हमेशा श्री सीताराम, सीता जी और राम जी का नाम हम लोग साथ में लेते हैं, माता जानकी और राम जी का नाम हम साथ में लेते हैं, लेकिन राम कदम जी, मुझे तो बार बार ये महसूस होता है कि राम का नाम अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जब आ रहा था तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो मुझे गार्ड भेजा गया है, जयपुर से हैं, राजस्थान से हैं, उनका नाम ही सीताराम है, लेकिन भाजपा के लोग जब राम के नाम पर राजनीति करते हैं तो मुझे राम कदम जी का नाम राम कदम नहीं, नाथू राम कदम सुनाई देता है। मुझे भले कुछ भी कहे पर आपने जय श्री राम बोल दिया, यही काफी है, क्योंकि नहीं, मैं ये कह रहा था वो आप ही के भाड़े पे लागे लोग, आप भाजपा के नेताओं को कुछ भी कहे पर आपने जय श्री राम बोला, ये भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि राम नाम ऐसा है, भले रावण भी राम नाम का 108 बार उसे पुकारे तो वो भी इस भव से पार हो जाता है, ये राम की महिमा है। चलिए ये संवाद शुरू करने से पहले ही बात, हाँ, ऐसा नहीं है, मैं यही कहता हूँ, देखिए ये लोग ठीक से होमवर्क नहीं किए, मरा मरा जब आप बोलते हैं तो राम सुनाई देता है। आपने गलत ले लिया, मैं कह रहा हूँ मरा मरा बोलने से राम सुनाई देता है, आप होमवर्क ठीक से कीजिए, आप बीजेपी के नेता हैं, राम के नाम पे आपकी दुकान चल रही है, कम से कम होमवर्क तो ठीक से करके आइए। मेरा एक बात बताइए, जब ना ना अब राम से शुरुआत ही हो गई है और विषय भी धर्म का है, तो बताइए कि जब अयोध्या में 450 वर्षों के संघर्ष के बाद जब भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा था, और आप अब जिस दल के नेता हो, उस कांग्रेस दल ने देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में 22 वकीलों की फौज इस कारण खड़ी की थी कि वो फैसला देरी से आए, क्या आप इस बात का समर्थन करते हो? राम कदम जी, मैं फिर कहता हूँ, हिंदू धर्म को समझने में आपने गलती कर दी है, आप मुझे बताइए कि इस ब्रह्मांड का कौन सा ऐसा हिस्सा है, अयोध्या का कौन सा ऐसा चप्पा है, हम कहते हैं कि कण कण में राम होते हैं, आप में भी राम है, उनमें भी राम है, सब में राम है, आपने राम की एक अलग परिभाषा इसलिए बनाई है
ताकि नाथूराम की सत्ता आप चला सकें, नाथूराम की विचारधारा वाली सरकार चला सकें। मुद्दे को भटकाइए नहीं, ये सरकार में है, देश में पावर में है, इनसे मुद्दा का सवाल कीजिए। ये इधर उधर की बात करेंगे, इनसे पूछिए कि रसोई गैस का कीमत क्यों बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है, अभी जो कमर्शियल गैस सिलेंडर का प्राइस है उसको 101 रुपया क्यों बढ़ा दिया गया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आप बताइए कि 3 साल में रेलवे ग्रुप डी की भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, आप बताइए कि बीएसएनएल को क्यों बेचा जा रहा है, एयर इंडिया को क्यों बेचा जा रहा है, मुद्दा मत भटकाइए साहब। अब हो गया आपका, देखिए एक बात को स्वीकार करिए कि आप बोलते समय मैंने आपको टोका नहीं, तो उसके साथ साथ ये चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तो आप नहीं टोके। हमने पूछा था कि राम मंदिर के फैसले को कांग्रेस दल बोल के माइक सर्वोच्च न्यायपालिका में 22 वकील खड़े किए कि वो फैसला देरी से आए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि ये राम से ऊपर हैं, यही है ना इनके कहने का मतलब। राम जी का फैसला जो है, राम जी का फैसला जो है वो ये करेंगे। आप मुझे बताइए, धर्म इंसान के लिए होता है, इंसान धर्म को बनाया है, धर्म के नाम पर इंसानों को आपस में लड़ाना, धर्म के नाम पर इंसानों की जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी, उसको गुमराह करना, ये सही बात है? ये कभी भी जो है सरकार जब चला रहे हैं तो देश की जनता का जो सवाल है उसका जवाब देने की बजाय ये धर्म लेकर के आ जाते हैं। मुद्दे को बटकाइए, किशोर जी ने सुनिए सुनिए, फिर जवाब नहीं दिया, दो बार पूछने के बाद आपका जवाब दूंगा, आपका जवाब दूंगा, आपका जवाब लूंगा। मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दा जहां से शुरू हुआ था, जो हम शुरू करना चाह रहे थे वो ये कि आप धर्म में भी ये कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक ही चीज है। वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है एक ऐसी विचारधारा है जिसके साथ वो नहीं है और वो हिंदू धर्म से अलग है, सही कह रहा हूं मैं? आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात खुद कहेंगे, आपने मुझे माइक दिया है बोलने के लिए। आप ये कह रहे हैं मतलब कि आपकी पार्टी कह रही है, मैं ही कह रहा हूं आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, क्या फर्क है हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदुत्व? देखिए पहली बात तो ये है कि ये बहस मैं समझता हूं बिना मतलब का है। क्यों बिना मतलब का? इसलिए है कि बहस तो वहीं से शुरू हुई ना जहां से ये किताबें आई हैं, जब आपके नेताओं, आपकी पार्टी के नेताओं ने कुछ किताबें लिख दी, ठीक है, उन्होंने किताब लिखी है, उस पर बहस भी हो रही है, लोग चर्चा भी कर रहे हैं जी। लेकिन मैं यहाँ जब चौपाल में बात करने के लिए आया हूँ तो मैं इस देश की आम नागरिक के हैसियत से आकर के यहाँ बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब देश में साल में एक बार कोई बड़े चैनल पे बहस हो तो देश के लोगों की जो आम परेशानी है उस पर बात हो। आप कह रहे हैं कि आम लोगों से परे है ये बहस, आम लोगों को इस बहस से मतलब नहीं है। बिल्कुल बहस, देखिए मैं यही कहता हूँ, आरएसएस के जो राम है ना उसका एक राजनीतिक उद्देश्य होगा। लेकिन मेरी दादी, अभी आपने कहा इनमें राम है मुझमें राम है, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मेरी दादी जो है, मेरे घर के जो लोग हैं, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे गांव के जो लोग हैं, उनके जो राम है ना वो उनके आस्था का विषय है, और वो बिना मतलब का इसके नाम पे कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि राम जी का नाम लेकर तो धर्म का नाम लेकर मतलब हो ही नहीं रही है, बिल्कुल मतलब से हो रही है, गुमराह किया जाए, ये बिल्कुल मतलब से हो रही है राजनीति। आपने कहा ना बिना मतलब से, बिल्कुल मतलब से हो रही है, दिख रहा है ये राजनीति सब तरफ से मतलब से हो रही है। हम कह रहे हैं कि ये धर्म के आधार पर इस देश में किसी भी प्रकार की राजनीति खतरनाक है, और ये इसलिए हो रही है ताकि इस देश के लोगों का जो आम सवाल है, मैं जो बार बार कहता हूं, अब आप देखिए कि 3 साल से रेलवे के ग्रुप डी की भर्ती नहीं निकाली गई है। आप कोई डिपार्टमेंट उठा करके देख लीजिए, बैंक में बहाली नहीं हो रही है। आप मीडिया में नौकरी करते हैं साहब, आपको पता है कोविड के दौरान लोगों की नौकरियां चली गई, वर्कफोर्स को घटाने के नाम पर छटनी किया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि महंगाई रोज बढ़ रही है। चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं, चुनाव अभी भी पहचान पे लड़े जा रहे हैं, आइडेंटिटी पे लड़े जा रहे हैं। आपकी पार्टी भी जहां जा जाती है, अभी अभी कुछ देर पहले सचिन पायलट आए थे, उनसे पूछा कि मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ तो उन्होंने बोला कि पहली बार कुछ दलित मंत्री बनाए गए हैं। बात दलित की हो गई, वहां आपने पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बना दिया, उसको भी आप कह रहे हैं कि ये भी तमगा है। आपको, आप तो बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, आप उसकी बात नहीं कर रहे जो मुद्दे आप अभी उठा रहे हैं। आप जब लोगों के बीच जाते हैं तब आप भी पहचान लेके जाते नहीं, हैं नहीं, हम लोगों के बीच में जब जाते हैं तो लोगों के मुद्दों की ही बात करते हैं। ये भाजपा है जो बार बार धर्म का नाम लेकर के लोगों के जो बुनियादी सवाल है उसको गुमराह करने का काम करती है। अब इन्होंने यहाँ जब ये आकर के बैठे हैं तो ये सवाल ये पूछ सकते थे कि आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो जब आपकी सरकार की थी तो आपने क्या किया, ये सवाल होना चाहिए।
लेकिन ये सवाल हमसे नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, नहीं। देखिए अगर आप एक मिनट राम जी, मैं आपको बताऊं, अगर आप हमको सवाल बताएंगे तो फिर हम आपको जवाब बताएंगे। नहीं नहीं, हम आपको सवाल देंगे, हम प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि आपको सवाल लिख करके दे देंगे। हम लिखा हुआ इंटरव्यू दे रहे हैं। प्रियंका जी मंदिर जा रही है, राहुल जी भी मंदिर जा रहे थे, जनेऊ भी दिखा रहे थे, वो अगर वो कर सकते हैं। देखिए, मंदिर जाने में कोई बुराई नहीं, चुनाव के टाइम मस्जिद जाने में भी कोई बुराई नहीं, गिरजाघर जाने में भी बुराई नहीं, गुरुद्वारे में जाने में भी बुराई नहीं। राम जी, आप, मैं यही कहता हूँ, देखिए इसकी जो एक अलग व्याख्या की जाती है ना, ये खतरनाक है। ये देश है, सभी धर्म के लोगों का देश है। जब आप पब्लिक फिगर हैं, आपको कोई अपने धार्मिक आस्था के हिसाब से अपने किसी धार्मिक संस्थान में लेकर के जाता है तो आप जाते हैं, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, इस देश में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप विकास की बात कीजिए, आप मुद्दे की बात कीजिए, आप बेकारी की बात कीजिए, आप महंगाई की बात कीजिए। राम जी जवाब देखिए, आप इस बात को स्वीकार करें कि लगातार चुनाव में हार के बाद ऐसा कौन सा कारण था कि आपके नेता राहुल गांधी को जनेऊ पहनना पड़ा, मंदिर मंदिर द्वार जाकर के मत्था टेकना पड़ा? कौन सा कारण था? क्या उस समय वो राजनीति से प्रेरित नहीं था? तो इसलिए कन्हैया जी, आप बोलते बड़ा प्यारा हो, पर इस तरह से नहीं, आप प्रामाणिकता से पक्ष रखिए कि कांग्रेस दल ने राम मंदिर को सर्वोच्च न्यायालय में विरोध किया, अप्रत्यक्ष रूप से गलत किया। ये लोग सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। बिहार और उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश बिहार के वासी हैं, उनको आने के लिए कांग्रेस दल ने कोई सुविधा नहीं दी, उनको वहां से भगा दिया। इस पर कांग्रेस पर आप प्रहार करिए। आपसे लोग सच सुनना चाहते हैं, और वह सच ये है कि यह दोगला नहीं हो सकता। मैंने तो प्रामाणिकता से आके, राम मेरी श्रद्धा है, आस्था है, मैंने जय श्री राम कहा, उसमें क्या गलत कहा? आपका नाम कन्हैया है, मैंने आपको भी कहा, आप भी कहिए जय श्री राम, जय कृष्ण कहिए, उसमें क्या गलत कहा? गलत, पर इसको आप राजनीति से आप जोड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं। ये पूरी तरह से सरासर दोगलापन है। यानी प्रियंका गांधी मंदिर में जाए वो सब सही, राहुल गांधी नकली जनेऊ पहने वो सब सही, पर राम मंदिर के लिए 450 वर्ष हिंदू भाई अगर संघर्ष करें तो उसमें आपको दोगलापन दिखे, ये कैसे हो सकता है? एक तो मैं बार बार कहता हूं कि विकास की भी बात करेंगे कन्हैया जी, विकास के हर मुद्दे की बात करेंगे। जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल मात्र 7 वर्षों में कैसे किया, और पूरे विश्व के नेता कैसे बने, इस पर पूरे आंकड़ों के साथ बात करेंगे। अच्छा, ये तो आपने खुद स्वीकार कर लिया कि जो 70 साल में नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी ने 7 साल में कर दिया। ये तो आपने नहीं, 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 अब ये सारे लोग पूछ लो इनसे, आप स्वीकार करते नहीं करते? 218 दिन में 100 करोड़ टीके लगे नहीं लगे, ये क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच नहीं है? आज 125 करोड़ टीके लगे और वो टीके इस मां भारती के भूमि पर बने, क्या ये प्रधानमंत्री की सोच नहीं है? चलिए, अब सारा विश्व प्रधानमंत्री जी के कार्य को सलाम कर रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री है, आप भी सीना चौड़ा करके कहिए कि वाह मोदी जी, आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो। देखो, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए आपको बहुत मुद्दे मिलेंगे, बहुत बिंदु मिलेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। पर जहां पर एक भारतीय होने के नाते, जब भारत की मिट्टी में कुछ अगर टीका बनता है और सारा विश्व अगर भारत को अगर ऊपर के स्थान पर देखता है, तो आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए, तो आपको भी लगना चाहिए प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं, क्यों नहीं होता ऐसा? अच्छा, तो अब मैं बताऊं बारी बारी से। पहली बात तो ये कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई राम का नाम लेता है, कोई कृष्ण का नाम लेता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये देश एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं, यहाँ कबीर भी हैं, नानक भी हैं, बुद्ध भी हैं। ये अपने गले में जो भगवा लगा के बैठे हुए हैं ना, ये भगवा सिर्फ भाजपा का नहीं है, महात्मा बुद्ध के छीवड़ का रंग भगवा है, शिवाजी महाराज के झंडे का रंग भगवा है, संभाजी के महाराज का रंग, ये वहीं महाराष्ट्र से आते हैं, उनके झंडे का रंग भगवा है। और तो और, जिस तिरंगे को ये नहीं मानते थे, उस तिरंगे में भी भगवा रंग है। ये आपका रंग है, हमारा रंग है, ऐसी बात नहीं है, ये इस देश का रंग है। एक तिरंगे को मानते हो?
हाँ बिल्कुल मंदिर, भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। कहिए एक बार। अच्छा एक बात देखिए, नहीं नहीं कहिए भारत माता की जय। भारत माता की जय हम कहते हैं। 10 फरवरी 2016 में कहा था मेरी माँ का मेरी पत्नी का भारत माता की नाम जय कहूंगा, ताकि वो स्कूल में जब बच्चा जाएगा उसका भी नाम भारत माता की जय कहूंगा, ताकि उसको स्कूल वाले फीस माफ कर दे। राम कदम जी का टिप्पणी नहीं, राम कदम जी सुनिए, आप सुनिए, अब आप ऐसा है, ऐसा है कि क्या है ना कि आप मेरे अंदर का बिहारी जगा दिए हैं। सुनिए आप, अब सुनिए आप, नहीं नहीं ये बिहारी जो है सुनिए, ये भारतीय होता है, पहला पहला भारतीय होता है। सुनिए आप मेरी बात सुनिए, अभी तक मैं इनसे बड़ा तमीज से बात कर रहा था, अब ये मेरे अंदर का बिहारी जगाए हैं। सुनिए, आपको संबित पात्रा बनने का शौक है ना, तो यही सवाल वो हमसे पूछे थे और उनको हम जवाब दिए थे। जवाब जानते हैं क्या दिए थे? कि भारत माता की जय हम बोलते हैं, आप गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। गोड से बोलिए, गोड से मुर्दाबाद, गोड से मुर्दाबाद। जिसने हत्या की है घोड़से के कार्य का हमने कभी समर्थन किया है? घोड़से मुर्दाबाद बोलते हैं, समर्थन किया है, किया है भाई, निंदनीय है। आरएसएस के ऑफिस में, आरएसएस के ऑफिस में घोड़से का फोटो लगाया हुआ है, ग्वालियर में आपने घोड़से का जो है घोड़से का मंदिर बनाया है। ये सब ना तुतू मैं नहीं कीजिए मेरे साथ, तुतू मैं का जवाब हमको देने के लिए आता है। आप सवाल का जवाब सुनिए, पूरा बोल लीजिए, आप सुनिए, एक दस आप माइक रखिए, दस सेकंड आप माइक रखिए, हम आपका सवाल का जवाब देते हैं। दस सेकंड वो उधर मत जाइए, हमको करने के लिए आता है। मैं ये कहा, आपने कहा गोडसे मुर्दाबाद कही है, हमने गोडसे जिंदाबाद कब कहा? हमेशा से। कब कहा? हमेशा से। हमने कब कब गांधी की विचारधारा का हमने अपमान कब किया? बोलिए ना, बोलिए ना, गोडसे मुर्दाबाद, आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, माइक लेकर बोलिए। अरे गोडसे के किसी कार्य का हमने समर्थन नहीं किया, गोडसे मुर्दाबाद ही नहीं कहा, गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए ना गोडसे मुर्दाबाद, गजब हाल है, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, का नहीं बोल रहे हैं राम कदम जी, सस्पेंड हो जाइएगा, उसी पॉइंट पार्टी से निकाल दिया जाएगा, डर का लग रहा है। बोलिए एक बार मुर्दाबाद, हम भारत माता की जय बोलते हैं, इनको बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोला इन्होंने, बोला, बोलिए बोलिए, सुन लीजिए, हाँ बोलिए, जोर से बोलिए, आपके समाधान के लिए कहे, नहीं समाधान के लिए, अपने मन से दिल से बोलिए, अगर गांधी को मानते हैं तो दिल से बोलिए। गोडसे ने जो कार्य किया है वह निंदनीय है। क्या कार्य किया का, नहीं नहीं गोडसे ने क्या कार्य किया है? महात्मा गांधी को जो क्या महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी जी की हत्या क्या की है? वध नहीं किया है, निंदनीय है, वध नहीं किया है, वध नहीं बोलते हैं ना, क्या कि महात्मा गांधी का वध किया गया, ये नहीं बोलते हैं ना, हत्या की है ना विषय क्या? नहीं नहीं मैं बोल बुलवाता हूँ ना, ये देखिए मुंह में जवान रख करके बात मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। शब्दों में कहूँ ये अभिव्यक्ति मेरी है ना, आप मैं उसी तरह से मेरी भी है, संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल उसी तरह से अभिव्यक्ति मेरी भी है, मेरी है। मैं बोलूंगा जय श्री राम, भारत माता की जय, वो मेरी अभिव्यक्ति है। आप कौन होते हैं बुलवाने वाले? आप कौन होते हैं बुलवाने वाले? आपके कहने से क्यों बोलेंगे? भारत माता की जय की अभिव्यक्ति मेरी है, जय श्री राम बोलने की अभिव्यक्ति मेरी है, उसी तरह से हर इंडिविजुअल की अभिव्यक्ति है। आपको ये टेंडर किसने दिया है? माथा पे जो है ललका गमछा लगा करके, भगवा गमछा लगा करके, हरा गमछा लगा करके आप तय कीजिएगा कि कौन क्या बोलेगा। देखिए आप मुद्दा पे आइए, भटकाइए मत, आधा घंटा का समय है, ठीक है? मुद्दा इन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी, मुझे जवाब देने दीजिए, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, मुझे बताइए कि कांग्रेस का अटल बिहारी वाजपेयी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, मोदी जी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री मंदिर नहीं जाते थे? नहीं नहीं, इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी मंदिर नहीं जाती थी? इसमें सवाल है कि चुनावों के वक्त, देखिए चुनावों के वक्त जाना वो दिखाना उस पे सवाल है, मंदिर जाने पे सवाल नहीं। अरे वो तो आपके कैमरा का प्रॉब्लम है ना कि आप चुनाव के वक्त उनके पीछे पीछे लेके घूमते हैं, रोज सुबह में आप कैमरा लेके थोड़ी उनके पास आते हैं, कब मंदिर जाते हैं कब मंदिर नहीं जाते हैं। ऐसा है, फिर ये कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है, मैं गमछा पहनो भगवा, इन्हें दर्द है? नहीं नहीं, आप कैमरा आपका नहीं दर्द है, दर्द है मुझे, बिल्कुल दर्द नहीं है। आप एक बार आपकी, अरे आप पैजामा भी भगवा पहन लीजिए महाराज, आप कुर्ता भी भगवा पहन लीजिए, आप माथे पे भी भगवा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आफत है, ऐसे नहीं हो सकता, नहीं मुझे उनसे आफत नहीं है। मैं कांग्रेस, सुनिए, अंग्रेज वाला चाल नहीं चलेगा, फूट डालो राज करो, होशियारी इधर मत कीजिए, उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं, आपसे हम झगड़ा कर रहे हैं, ये सब होशियारी मेरे साथ मत कीजिए। हमारा तो आपसे झगड़ा ही नहीं है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है, नहीं यही अंतर है। आप कांग्रेसी लोग जिसे झगड़ा समझते हो, भारतीय जनता पार्टी उसे विचारधारा की लड़ाई समझती है। कौन सी विचारधारा? भेद है, कौन सी विचारधारा? विचारधारा किसकी? विचारधारा, विचारधारा। सुनिए एक बात ये बताएं, नमस्ते, भाजपा, भाजपा किसके विचारधारा पे चलती है? पांच नाम बताइए, भाजपा की विचारधारा किसको फॉलो करती है? पांच नाम बताइए, हम गिनते हैं, बोलिए, बताओ। हाँ शांति से सुनेंगे, हाँ शांति से, अभी आपकी भाषा में माइक रखिए, हाँ चलिए, आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे,
त्वया हिंद भूमि सुखम वर्दितो हम। अरे तो शाखा में पढ़ाया जाता है। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं क्या? मैं कौन सा दर्शी आप कौन सा वर्ष के हैं? शाखा का कौन सा वर्ष करके आए हैं? आपने प्रथम आपने पांच आदमी का नाम हम पूछा, इन्होंने पूछा मुझे क्या विचारधारा। तो माँ भारती के लिए मर मिट जाने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर देश का नागरिक, यह विचारधारा मानते हो? आपकी माता भारत माता है? सबकी भारत माता माता है। मेरी माता भी भारत माता है ना? अभी पता नहीं, आपको बताना होगा। तुम क्या करते हैं? हम पेड़ पे लटके हुए थे। नहीं नहीं नहीं, जेएनयू में 9 फरवरी को हम पेड़ पे लटके हुए थे। मेरी माँ नहीं है क्या? माता भारत माता है, गजब हाल है। ये जेएनयू में 9 फरवरी 2016 में भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे किसने और क्यों लगाए थे? अरे ऐसा नहीं था, हम बताते हैं। हां बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन दे रहा था ये बताइए? अरे ओरिजिनल नारा इनको पता नहीं है। जवाब जवाब जवाब, ये नारा नहीं था, ठीक है। वो आपको जीन्यू जाना पड़ेगा, नेटवर्क 18 के पास वो फुटेज नहीं है। अब सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। पांच व्यक्ति का नाम बताइए जिस व्यक्ति की विचारधारा पे आरएसएस बीजेपी चलती है। पांच व्यक्ति का नाम बताइए सीधा सीधा। मैंने हमारी जो प्रार्थना है, हाँ पता है मुझे वो प्रार्थना ना, ना, है। उसके उसके उसका अर्थ बता। पांच व्यक्ति का नाम बता, संस्कृत में है। पांच व्यक्ति का नाम नहीं बताएंगे? अरे मोदी, अमित शाह, योगी, संबित पात्रा, यही गिना दीजिए, स्मृति ईरानी। पांच बोलिए ना महाराज, काहे घबरा रहे हैं? हो गया पांच, पांच नाम हो गया, तब मैं जवाब दूंगा। हो गया, मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी क्या है, मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी होने का क्या मतलब होता है, कांग्रेसी होने का क्या मतलब, ये बताता हूँ। कांग्रेसी होने का मतलब होता है आपके भी, आपके देश में सवाल का जवाब मैं देता हूँ, आपके आपका पास जवाब नहीं है, मैं जवाब देता हूँ। ऐसे नहीं होगा, कांग्रेसी होने का मतलब है इस देश के 5,000 साल के इतिहास और उसकी विरासत को अपने आप में समेटना। कांग्रेसी होने का मतलब होता है नानक के विचारों पर चलना। कांग्रेसी होने का मतलब होता है कबीर के उस कांग्रेस को समझना, जिसमें हम कहते हैं, सुन लीजिए, बार-बार पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। एक मिनट, कबीर के उस लाइन, एक मिनट कांग्रेस उसका, आप आ जाइए ना राम कदम जी, आपका सपोर्टर आपसे ज्यादा मजबूत है, आप नीचे बैठ जाइए, उसको यहाँ भेज दीजिए। एक मिनट राम कदम जी, उस आदमी को, एक क्या नाम है भाई जी आपका, उस आदमी को यहाँ बैठाइए किशोर जी, और इनको वहाँ भेज दीजिए। पहली बात तो 5,000 साल पहले कांग्रेस थी नहीं, कांग्रेस की विचारधारा की आप बात करें, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा गांधी की विचारधारा है। आप खुद कांग्रेस की, कांग्रेस में अभी आए, आप खुद आए अभी कांग्रेस पटेल की विचारधारा, अभी से कुछ दिन पहले तो आप ही कांग्रेस में नहीं थे, इसका क्या मतलब है? नहीं तो आप कांग्रेस की विचारधारा लेके जो आ रहे हैं, मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो हम गांधी के खिलाफ थे। इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो नेहरू के खिलाफ थे। इसका यह मतलब है, ये थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। अच्छा, अगर आप जिस पार्टी में थे वो पार्टी किसको मानती थी? जोसेफ स्टालिन को? नहीं, हम कभी स्टालिन को नहीं माने थे। आप स्टालिन को कभी नहीं माने? कभी नहीं माने। आपने तिरस्कार किया स्टालिन का? आपके मंच पे किया है, आपके मंच पे ऑन कैमरा किया है, आपके मंच पे ऑन कैमरा किया। कागज पे लिख के दे दीजिए ना, आइए कागज पे लिख के दे दीजिए, वो कुछ टिका टिप्पणी बता रहे हैं, कागज पे लिख के पहुंचा दीजिए, बोलिए। एक मिनट, हाँ मुझे पता है, मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे पता नहीं होगा, मैं 2019 का चुनाव लड़ा हूँ तो। एक मिनट हाँ बैठिए। एक मिनट, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है, हमको बता रहे नहीं है, मेरा जनरल नॉलेज कमजोर नहीं है, मुझे पता है मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। अच्छा आपका जवाब दे दूं मैं कन्हैया जी, आप सवाल पूछो तो जवाब भी सुन लीजिए। एक आप कहा ना मेरे सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा किनके विचारों के आधार पर हमारा दल चलता है, लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर जो गरीब व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान के विचार, उसके उत्थान के विचारधारा पर हमारा दल चलता है। ये एनसीईआरटी बात, तुम्हारी कांग्रेस का दल जो है केवल और केवल गांधी घराना, नहीं, नहीं नहीं, जो कल राहुल गांधी शादी कर ले तो उनका पोता भी वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा भविष्य का, इस प्रकार से तुम्हारी विचारधारा है, वो दल है या प्राइवेट कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? इसको जानते हैं क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेशर्मी। अभी जो बोमई यहाँ पे बैठा हुआ था उसका बाप कौन था? जैसा कौन है? फूफा है आपका? मुझे बात बताओ ना, जैसा नहीं नहीं नहीं, बात मत कीजिए, परिवार से आप कौन है? जैसा ना ना, आदरणीय भाषा कौन है? आदरणीय जी, सीसीआर का सेक्रेटरी कैसे बनाया? आदरणीय मेरी भाषा, भाषा भाषा, आप पीछे भाषा बता, भाषा सिर्फ मध्य बोमई कौन है? कौन है बोमई? कौन है? भाषा मर्यादित कौन है? जैसा परिवारवाद की बात करते हैं आप, ठीक है? कौन है बोमई बताइए, बोमई के पिता जी बताइए, कौन से परिवार से आते बताइए ना, बताइए ना, बताइए लोगों को, बताइए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कौन से परिवार से आते बताइए लोगों को। खाली नरेंद्र मोदी, एक आम आदमी, एक आम आदमी,
एक गरीब परिवार से अच्छा, देश का प्रधानमंत्री केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बन सकता है। मेरे पिताजी कौन है ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सुनिए ना, मेरे जहाँ पे केवल और केवल गांधी परिवार तय करेगा वो मंत्री होगा, गांधी परिवार तय करेगा वो उस दल का अध्यक्ष बनेगा। ये झूठ है, ये ऐसा नहीं है, ये झूठ है। मैं इनको अभी पूछ रहा हूँ कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री अभी से इस सेशन के पहले यहाँ के भाषण दे रहे थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में इनके मुंह में दही जम गया है। जैसा के बारे में सवाल पूछ रहे हैं तो उसके पलते इनके मुंह में पान आ गया। आपकी पार्टी देखिए परिवार, सुनिए सुनिए सुनिए, नरेंद्र मोदी साधारण परिवार से हैं। मेरे पिताजी कौन थे? राहुल गांधी साधारण परिवार से। देखिए पार्टी, आपकी पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है। साधारण परिवार से, बिल्कुल साधारण परिवार से। प्रमोद महाजन के साथ क्या कर रहे थे? कोई नहीं था, मेरा पारिवारिक रिश्ता था। मैं एक मिनट, प्रमोद महाजन से इनका पारिवारिक रिश्ता था आपका? प्रमोद महाजन साधारण आदमी। पहली बात सुनिए, हमको सब पता है। एक मिनट, ये भ्रम किसी और के आपका, एक मिनट आप प्रमोद महाजन के साथ क्या कर रहे हैं? एक मिनट, प्रमोद महाजन कौन? जवाब दो, जवाब दो, बिल्कुल जवाब दीजिए। कन्हैया जी आपने अध्ययन तो किया है, पर थोड़ा सा और अच्छा अध्ययन करते तो बेहतर होता। बहुत धन्यवाद। आप अध्ययन करते कि राम कदम सलाह देने के लिए बहुत धन्यवाद। तुम्हारा नाम कैसा है? राम कदम, तुमने 2.25 लाख लोगों की गरीबों की यात्रा कैसे कराई? अच्छा होता। प्लीज, एक स्कूल में साथ थे, केवल मात्र इतना ही संबंध है। आपके अध्ययन में थोड़ी कमी रहेगी, आप पीएचडी कर रहे हो। नहीं, बात इसलिए उठ रही परिवार की क्योंकि ये आपके पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है। ये साधारण कार्यकर्ताओं की बात नहीं हो रही है, आप जैसे नेताओं की बात भी नहीं हो रही है। साधारण कार्यकर्ता है? नहीं, मेरी बात नहीं, आपकी पार्टी साधारण परिवार से नहीं आया। आपकी पार्टी साधारण परिवार से नहीं आया। आपकी पार्टी के अध्यक्ष, मेरी बात सुनो, अरे पार्टी के, आपके पार्टी के, आपके पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है। आपके पार्टी के अध्यक्ष अगला कौन होगा? ये बोलेंगे नहीं। आपके पार्टी का अगला प्रियंका गांधी बोलेंगे नहीं। हम जैसा कौन? आपको डर क्यों लग रहा है? किस बात का डर? नहीं, आप मेरी बात सुनो, बात पार्टी की हो रही है, पार्टी के नेतृत्व की हो रही है। आप जय शाह जी, अमित शाह के पुत्र है, बोलो क्या आपत्ति है तुम्हें? पार्टी क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? क्यों परिवार वाले? एक मिनट, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बजाओ ताली। ना, अभी अगर सवाल बीसीसीआई का सवाल ना परिवार वाला नहीं है। देखिए, अभी सवाल बात आपके पार्टी के अध्यक्ष की हो रही है। सुनिए, तेनी का बेटा, पार्टी का बेटा, ऐसे कन्हैया जी, कन्हैया जी, परिवारवाद नहीं, कन्हैया जी, और उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही। परिवारवाद की बात कांग्रेस नहीं कर सकती। खेला करते हैं परिवार, देखिए खेला देश की जनता देख रही है। डर आप रहे हैं अध्यक्ष पे, जब आपकी पार्टी के अध्यक्ष की बात आती है तो आप हमेशा इधर उधर डाइवर्ट कर रहे हैं। पार्टी का अध्यक्ष आपका एक ही परिवार से होता है। एक ही, सुनिए, बिल्कुल थे, मैं सवाल का जवाब, बिल्कुल बिल्कुल फालतू बात मत घुमाइए। प्रियंका पर जवाब नहीं, सुनिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जरूरत नहीं है, बैठिए, बोलो। अरे सब सवाल का जवाब देंगे। सीताराम केसरी किस परिवार से थे? सीताराम केसरी जब थे, जब परिवार नहीं था पॉलिटिक्स में, उसके बाद फिर बात वापस आपने परिवार को बुलाया ना? परिवार नहीं था पॉलिटिक्स में, कैसी बात करते हैं आप? जब गांधी परिवार पॉलिटिक्स में नहीं था तब आपने सीताराम केसरी को हटाया कैसे? कैसे हटाया आपने सीताराम केसरी? सिर्फ गांधी परिवार के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं? नहीं, लेकिन सीताराम केसरी को कैसे हटाया था आपने? मैं कह रहा हूँ कि आप कैसे हटाया था आपने कि एक परिवार के लोग ही कांग्रेस के अध्यक्ष हुए? कैसे हटाया आपने सीताराम केसरी को? आपने नाम लिया सीताराम केसरी का? चुनाव होता है, आपने चुनाव से लोग अध्यक्ष बनते हैं। आपने चुनाव से अध्यक्ष बन सकते हैं, कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, ये फालतू बात नहीं है। नहीं नहीं, आपने सीताराम केसरी का क्यों नाम लिया? कन्हैया जी, आप मुझे एक फैक्ट बताइए। कन्हैया जी, कांग्रेस पार्टी का, कन्हैया जी एक मिनट, सिर्फ जो है गांधी परिवार से लोग हुए हैं? अब तो ऐसा ही है, दूसरे परिवार से नहीं हुए? पहले तो हुए, अब तो ऐसा ही है ना? पहले हुए हैं ना? आप ही बोलोगे, सच है ना? आप ही बोलोगे, हम रही बात परिवारवाद की, अब उस पे आता हूँ। मुझे परिवारवाद की, परिवारवाद इस देश की राजनीति की समस्या है। कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिस पार्टी में परिवारवाद नहीं है। तो कांग्रेस में स्वीकार करते हो? कांग्रेस में स्वीकार करते हो क्या? कांग्रेस में है परिवारवाद, स्वीकार करते हो नहीं करते हो? अरे नहीं, बोलिए, आप स्वयं कह रहे थे स्वीकार करते हो नहीं करते हो? पूरी भारतीय राजनीति में परिवारवाद है। अच्छा, एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए, और आपके लिए भी ना, सुनिए राम कदम जी, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, आपकी सारी सुन ली, आप मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप दे रहा हूं जवाब कि राजनाथ सिंह के बेटा को एमएलए कैसे बनाया? जवाब दे रहे हैं। देखिए कैसा है, इन्होंने एक बात सच कही, इस बात को प्रामाणिकता से, इस बात को प्रामाणिकता से स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस दल में, जैसे इन्होंने सीताराम जी का उदाहरण दिया, तो वे भी अध्यक्ष बने, ये बात सच है। पर ये जानबूझकर के ये बात बताना भूल गए
कि उनको अध्यक्ष पद पर बिठाया गांधी परिवार ने, यानी भले दूसरा अध्यक्ष बना पर किंग मेकर कौन रहा? गांधी परिवार ही रहा। अच्छा एक बार, देश को आजादी मिलने के बाद उस पल से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है या नहीं कर रही? हो गया। इतना है। अब आप मुझे बताइए, आप सब लोग अपने दिल पे हाथ रख करके बोलिए, बोमई साहब इससे पहले इस सेशन में यहाँ बैठे हुए थे, उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया है? सच बोलना भाई, सच बोलना प्लीज। कौन बनाया है मुख्यमंत्री बताओ, कौन बिठाया है? देखिए कौन बिठाया है, क्या और गुजरात ना, 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 गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? क्या नाम है उनका? नहीं, पर मुझे एक बात बताइए। क्या नहीं, हाँ। गुजरात के मुख्यमंत्री मैं आपका जवाब दे दूं। गुजरात के मुख्यमंत्री मैं आपको जवाब दे दूं, दो मिनट सुन लो। अरे गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम, दो मिनट आपको जवाब दे दूं, सुन तो लो, दो मिनट के। कन्हैया जी उनके बारे में सवाल है, कन्हैया जी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने राजनाथ जी के बेटे के बारे में पूछा, अमित शाह, दो मिनट मुझे जवाब तो दो, दो मिनट के मुख्यमंत्री बने थे, आगे लेके जाओगे? अरे अभी गुजरात के मुख्यमंत्री, चलिए टाइम अप हो रहा है, उनको कौन मुख्यमंत्री बनाया है? जी, टाइम आप हो रहा है, रामकवन जी का सवाल ले लेता हूं मैं। देखिए भाजपा को भी ना दो लोग चला रही है, पहले ढाई लोग चला रहे थे, वो आधा लोग गायब हो गए हैं, दिवंगत हो गए हैं, अब दो लोग चला रहा है। मोदी साहब की जो जोरी है ये पूरा भाजपा चला रही है। आपकी पार्टी पर सवाल, आपने अपनी, आप अपनी पार्टी का, आप ये नहीं, आप फिल्म दीवार के डायलॉग की तरह बोल रहे हैं कि भैया पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी मां पे ये लिख दिया। आपकी अपनी, आप अपनी पार्टी का बताओ ना। अरे वाह, आप अपनी पार्टी का बताओ, अपनी पार्टी का आपको जवाब नहीं है। साहब आप इधर घुमा रहे हो, किशोर साहब, चलिए हम डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, सॉरी हम नहीं बोल रहे, आपको अमिताभ बच्चन बनने का मन हो गया। ना ना, देखिए इनके मन में कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन होने का मन है, तो सकल में अमिताभ बच्चन के साथ। टाइम आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए राम कदम जी। अंत में स्वीकार कर लो कि कांग्रेस भी परिवारवाद वाली पार्टी है। राम जी खुद हैं यहाँ पे, कन्हैया जी भी हैं, तो दोनों भगवानों के नाम तो यहाँ हैं। लेकिन वास्तव में लोग सुनना चाहते हैं कि कन्हैया जय श्री राम कहे। चलिए इन्होंने शायद उसी के लिए नारे हो, जय श्री राम। किशोर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और राम कदम जी का दिल्ली में स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने हमसे आग्रह किया है कि मैं जय श्री राम कहूं, शायद होमवर्क करके नहीं आए हैं राम कदम जी। मैं मिथिला से आता हूँ और मिथिला राम जी का ससुराल है, तो हम लोग कभी भी राम जी का नाम सीता जी के बिना नहीं लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं हमेशा श्री सीताराम। सीता जी और राम जी का नाम हम लोग साथ में लेते हैं, माता जानकी और राम जी का नाम हम साथ में लेते हैं। लेकिन राम कदम जी, मुझे तो बार बार ये महसूस होता है कि राम का नाम अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जब आ रहा था तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो मुझे गार्ड भेजा गया है, जयपुर से हैं, राजस्थान से हैं, उनका नाम ही सीताराम है। लेकिन भाजपा के लोग जब राम के नाम पर राजनीति करते हैं तो मुझे राम कदम जी का नाम राम कदम नहीं, नाथू राम कदम सुनाई देता है। मुझे भले कुछ भी कहे पर आपने जय श्री राम बोल दिया, यही काफी है। क्योंकि नहीं, जी, हाँ। मैं ये कह रहा था वो आप ही के भाड़े पे लागे लोग, आप भाजपा के नेताओं को कुछ भी कहे पर आपने जय श्री राम बोला, ये भी कुछ कम नहीं है। क्योंकि राम नाम ऐसा है, भले रावण भी राम नाम का 108 बार उसे पुकारे तो वो भी इस भव से पार हो जाता है, ये राम की महिमा है। चलिए ये संवाद शुरू करने से पहले ही बात, हाँ, ऐसा नहीं है, मैं यही कहता हूँ। देखिए ये लोग रावण से होमवर्क नहीं किए, समाज मरा मरा एक जब आप बोलते हैं तो राम सुनाई देता है। आपने गलत ले लिया, मैं कह रहा हूँ मरा मरा बोलने से राम सुनाई देता है, आप होमवर्क ठीक से कीजिए। आप बीजेपी के नेता हैं, राम के नाम पे आपकी दुकान चल रही है, कम से कम होमवर्क तो ठीक से करके आइए। मेरा एक बात बताइए, जब ना ना अब राम से शुरुआत ही हो गई है और विषय भी धर्म का है, तो बताइए कि जब अयोध्या में 450 वर्षों के संघर्ष के बाद जब भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा था, और आप अब जिस दल के नेता हो, उस कांग्रेस दल ने देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में 22 वकीलों की फौज इस कारण खड़ी की थी कि वो फैसला देरी से आए, क्या आप इस बात का समर्थन करते हो?
राम कदम जी, मैं फिर कहता हूँ, हिंदू धर्म को समझने में आपने गलती कर दी है। आप मुझे बताइए कि इस ब्रह्मांड का कौन सा ऐसा हिस्सा है, अयोध्या का कौन सा ऐसा चप्पा है। हम कहते हैं कि कण कण में राम होते हैं, आप में भी राम है, उनमें भी राम है, सब में राम है। आपने राम की एक अलग परिभाषा इसलिए बनाई है ताकि नाथूराम की सत्ता आप चला सकें, नाथूराम की विचारधारा वाली सरकार चला सकें। मुद्दे को भटकाइए नहीं, ये सरकार में है, देश में पावर में है, इनसे मुद्दा का सवाल कीजिए, ये इधर उधर की बात करेंगे, इनसे पूछिए कि रसोई गैस का कीमत क्यों बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है, अभी जो कमर्शियल गैस सिलेंडर का प्राइस है उसको 101 रुपया क्यों बढ़ा दिया गया उस पर भी चर्चा आप बताइए कि 3 साल में रेलवे ग्रुप डी की भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं। आप बताइए कि BSNL को क्यों बेचा जा रहा है, एयर इंडिया को क्यों बेचा जा रहा है। मुद्दा मत भटकाइए साहब। अच्छा, हो गया आपका। देखिए, एक बात को स्वीकार करिए कि आप बोलते समय मैंने आपको टोका नहीं, तो उसके साथ साथ ये चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तो आप नहीं टोके। हमने पूछा था कि राम मंदिर के फैसले को कांग्रेस दल बोल के सर्वोच्च न्यायपालिका में 22 वकील खड़े किए कि वो फैसला देरी से आए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि ये राम से ऊपर हैं, यही है ना इनके कहने का मतलब। राम जी का फैसला जो है, राम जी का फैसला जो है वो ये करेंगे। आप मुझे बताइए, धर्म इंसान के लिए होता है, इंसान धर्म को बनाया है, धर्म के नाम पर इंसानों को आपस में लड़ाना, धर्म के नाम पर इंसानों की जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी, उसको गुमराह करना, ये सही बात है? ये नहीं, कभी नहीं, भी जो है सरकार जब चला रहे हैं तो देश की जनता का जो सवाल है उसका जवाब देने की बजाय ये धर्म लेकर के आ जाते हैं। और किशोर जी ने फिर जवाब नहीं दिया, दो बार पूछने के बाद आपका जवाब दूंगा। मुद्दे पे रहते हैं। मुद्दा जहां से शुरू हुआ था, जो हम शुरू करना चाह रहे थे, वो ये कि आप धर्म में भी ये कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक ही चीज है। वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है एक ऐसी विचारधारा है जिसके साथ वो नहीं है और वो हिंदू धर्म से अलग है। सही कह रहा हूं मैं? आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात खुद कहेंगे। आपने मुझे माइक दिया है बोलने के लिए। ये कह रहे हैं मतलब कि आपकी पार्टी कह रही है, मैं ही कह रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। क्या फर्क है हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदुत्व? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहस मैं समझता हूँ बिना मतलब का है। क्यों बिना मतलब का? इसलिए है कि बहस तो वहीं से शुरू हुई ना, जहां से ये किताबें आई हैं, जब आपके नेताओं, आपकी पार्टी के नेताओं ने कुछ किताबें लिख दी। ठीक है, उन्होंने किताब लिखी है, उस पर बहस भी हो रही है, लोग चर्चा भी कर रहे हैं जी। लेकिन मैं यहाँ जब चौपाल में बात करने के लिए आया हूँ तो मैं इस देश की आम नागरिक के हैसियत से आकर के यहाँ बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब देश में साल में एक बार कोई बड़े चैनल पे बहस हो तो देश के लोगों की जो आम परेशानी है उस पे बात हो। आप कह रहे हैं कि आम लोगों से परे है ये बहस, आम लोगों को इस बहस से मतलब नहीं है। बिल्कुल बहस, देखिए मैं यही कहता हूँ, RSS के जो राम है ना उसका एक राजनीतिक उद्देश्य होगा। लेकिन मेरी दादी, अभी आपने कहा इनमें राम है, मुझमें राम है, वही कह रहा हूँ। लेकिन मेरी दादी जो है, मेरे घर के जो लोग हैं, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे गांव के जो लोग हैं, उनके जो राम है ना वो उनके आस्था का विषय है, और वो बिना मतलब का इसके नाम पे कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि राम जी का नाम लेकर तो राम का नाम बिना मतलब के हो ही नहीं रही है, बिल्कुल मतलब से हो रही है, गुमराह किया जाए। ये बिल्कुल मतलब से हो रही है राजनीति, आपने कहा ना बिना मतलब से, बिल्कुल मतलब से हो रही है, दिख रहा है ये राजनीति सब तरफ से मतलब से हो रही है। हम कह रहे हैं कि ये धर्म के आधार पर इस देश में किसी भी प्रकार की राजनीति खतरनाक है, और ये इसलिए हो रही है ताकि इस देश के लोगों का जो आम सवाल है, मैं जो बार बार कहता हूं, अब आप देखिए कि 3 साल से रेलवे के ग्रुप डी की भर्ती नहीं निकाली गई है। आप कोई डिपार्टमेंट उठा करके देख लीजिए, बैंक में बहाली नहीं हो रही है। आप मीडिया में नौकरी करते हैं साहब, आपको पता है कोविड के दौरान लोगों की नौकरियां चली गई, वर्क फोर्स को घटाने के नाम पर छटनी किया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि महंगाई रोज बढ़ रही है। चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं, चुनाव अभी भी पहचान पे लड़े जा रहे हैं, आइडेंटिटी पे लड़े जा रहे हैं। आपकी पार्टी भी जहां जा जाती है, अभी अभी कुछ देर पहले सचिन पायलट आए थे, उनसे पूछा कि मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ तो उन्होंने बोला कि पहली बार कुछ दलित मंत्री बनाए गए हैं। बात दलित की हो गई, वहां आपने पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बना दिया, उसको भी आप कह रहे हैं कि ये भी तमगा है। आपको, आप तो बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, आप उसकी बात नहीं कर रहे जो मुद्दे आप अभी उठा रहे हैं। आप जब लोगों के बीच जाते हैं तब आप भी पहचान लेके जाते हैं। नहीं,
हम लोगों के बीच में जब जाते हैं तो लोगों के मुद्दों की ही बात करते हैं। ये भाजपा है जो बार बार धर्म का नाम लेकर के लोगों के जो बुनियादी सवाल है उसको गुमराह करने का काम करती है। अब इन्होंने यहाँ जब ये आकर के बैठे हैं तो ये सवाल ये पूछ सकते थे कि आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो जब आपकी सरकार की थी तो आपने क्या किया, ये सवाल होना चाहिए। लेकिन ये सवाल ये हमसे नहीं पूछ रहे हैं। देखिए, अगर आप एक मिनट राम जी, मैं आपको बताऊँ, अगर आप हमको सवाल बताएंगे तो फिर हम आपको जवाब बताएंगे। नहीं नहीं, हम आपको सवाल हम प्रधानमंत्री थोड़ी है कि आपको सवाल लिख करके दे देंगे। हम लिखा हुआ इंटरव्यू दे रहे हैं। प्रियंका जी मंदिर जा रही है, राहुल जी मंदिर जा रहे थे, जनेऊ भी दिखा रहे थे, वो अगर वो कर सकते हैं तो ये मंदिर जाने में कोई बुराई नहीं है, चुनाव के टाइम मस्जिद जाने में भी कोई बुराई नहीं, गिरजा घर जाने में भी बुराई नहीं, गुरुद्वारे में जाने में भी बुराई नहीं। आप, मैं यही कहता हूँ, देखिए इसकी जो एक अलग व्याख्या की जाती है ना, ये खतरनाक है। ये देश है, सभी धर्म के लोगों का देश है। जब आप पब्लिक फिगर हैं, आपको कोई अपने धार्मिक आस्था के हिसाब से अपने किसी धार्मिक संस्थान में लेकर के जाता है तो आप जाते हैं, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, इस देश में क्या बुराई है? इस देश में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। आप विकास की बात कीजिए, आप मुद्दे की बात कीजिए, आप बेकारी की बात कीजिए, आप महंगाई की बात कीजिए। राम जी जवाब देखिए, आप इस बात को स्वीकार करें कि लगातार चुनाव में हार के बाद ऐसा कौन सा कारण था कि आपके नेता राहुल गांधी को जनेऊ पहनना पड़ा, मंदिर मंदिर द्वार जाकर के मत्था टेकना पड़ा? कौन सा कारण था? क्या उस समय वो राजनीति से प्रेरित नहीं था? तो इसलिए कन्हैया जी, आप बोलते बड़ा प्यारा हो, पर इस तरह से नहीं, आप प्रामाणिकता से पक्ष रखिए कि कांग्रेस दल ने राम मंदिर को सर्वोच्च न्यायालय में विरोध किया, अप्रत्यक्ष रूप से गलत किया। ये लोग सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। बिहार और उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश बिहार के वासी हैं, उनको आने के लिए कांग्रेस दल ने कोई सुविधा नहीं दी, उनको वहां से भगा दिया। इस पर कांग्रेस पर आप प्रहार करिए। आपसे लोग सच सुनना चाहते हैं, और वह सच ये है कि यह दोगला नहीं हो सकता। मैंने तो प्रामाणिकता से आके, राम मेरी श्रद्धा है, आस्था है, मैंने जय श्री राम कहा, उसमें क्या गलत कहा? आपका नाम कन्हैया है, मैंने आपको भी कहा, आप भी कहिए जय श्री राम, जय कृष्ण कहिए, उसमें क्या गलत कहा? गलत पर इसको आप राजनीति से आप जोड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं, ये पूरी तरह से सरासर दोगलापन है। यानी प्रियंका गांधी मंदिर में जाए वो सब सही, राहुल गांधी नकली जनेऊ पहने वो सब सही, पर राम मंदिर के लिए 450 वर्ष हिंदू भाई अगर संघर्ष करें तो उसमें आपको दोगलापन दिखे, ये कैसे हो सकता है? एक तो मैं बार बार कहता हूं कि विकास की भी बात करेंगे कन्हैया जी, विकास के हर मुद्दे की बात करेंगे। जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल मात्र 7 वर्षों में कैसे किया, और पूरे विश्व के नेता कैसे बने, इस पर पूरे आंकड़ों के साथ बात करेंगे। अच्छा, ये तो आपने खुद स्वीकार कर लिया कि जो 70 साल में नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी ने 7 साल में कर दिया, ये तो आपने नहीं, 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 ये सारे लोग पूछ लो इनसे, आप स्वीकार करते नहीं करते? 218 दिन में 100 करोड़ टीके लगे नहीं लगे, ये क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच नहीं है? आज 125 करोड़ टीके लगे और वो टीके इस मां भारती के भूमि पर बने, क्या ये प्रधानमंत्री की सोच नहीं है? चलिए, अब सारा विश्व प्रधानमंत्री जी के कार्य को सलाम कर रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री है, आप भी सीना चौड़ा करके कहिए कि वाह मोदी जी, आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो। देखो, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए आपको बहुत मुद्दे मिलेंगे, बहुत बिंदु मिलेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे, पर जहां पर एक भारतीय होने के नाते जब भारत की मिट्टी में कुछ अगर टीका बनता है और सारा विश्व अगर भारत को अगर ऊपर के स्थान पर देखता है तो आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए, तो आपको भी लगना चाहिए प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं, क्यों नहीं होता ऐसा? अच्छा, तो अब मैं बताऊं बारी बारी से। पहली बात तो ये कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई राम का नाम लेता है, कोई कृष्ण का नाम लेता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये देश एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं, यहाँ कबीर भी हैं, नानक भी हैं, बुद्ध भी हैं। ये अपने गले में जो भगवा लगा के बैठे हुए हैं ना, ये भगवा सिर्फ भाजपा का नहीं है, महात्मा बुद्ध के छीवड़ का रंग भगवा है, शिवाजी महाराज के झंडे का रंग भगवा है, संभाजी के महाराज का रंग, ये वहीं महाराष्ट्र से आते हैं, उनके झंडे का रंग भगवा है, और तो और जिस तिरंगे को ये नहीं मानते थे उस तिरंगे में भी भगवा रंग है। ये आपका रंग है, हमारा रंग है, ऐसी बात नहीं है, ये इस देश का रंग है। एक तिरंगे को मानते हो?
हाँ बिल्कुल मंदिर, भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। कहिए एक बार। अच्छा एक बात देखिए, नहीं नहीं कहिए भारत माता की जय। भारत माता की जय हम कहते हैं। 10 फरवरी 2016 में कहा था मेरी माँ का मेरी पत्नी का भारत माता की नाम जय कहूंगा, ताकि वो स्कूल में जब बच्चा जाएगा उसका भी नाम भारत माता की जय कहूंगा, ताकि उसको स्कूल वाले फीस माफ कर दे। राम कदम जी का टिप्पणी नहीं, राम कदम जी सुनिए, आप सुनिए, अब आप क्या है, ऐसा है क्या है ना कि आप मेरे अंदर का बिहारी जगा दिए हैं। सुनिए आप, अब सुनिए आप, नहीं नहीं ये बिहारी महाराष्ट्र जो है, सुनिए ये भारतीय होता है, पहला पहला भारतीय होता है। सुनिए आप मेरी बात सुनिए, अभी तक मैं इनसे बड़ा तमीज से बात कर रहा था, अब ये मेरे अंदर का बिहारी जगाए हैं। सुनिए, आपको संबित पात्रा बनने का शौक है ना, ना, ना तो ना। यही सवाल वो हमसे पूछे थे और उनको हम जवाब दिए थे। जवाब जानते हैं क्या दिए थे? कि भारत माता की जय हम बोलते हैं, आप गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। गोड से बोलिए, गोड से मुर्दाबाद, गोड से मुर्दाबाद। जिसने हत्या की है घोड़से के कार्य का हमने कभी समर्थन किया है? घोड़से मुर्दाबाद बोलते हैं, समर्थन किया है, किया है भाई, निंदनीय है। आरएसएस के ऑफिस में, आरएसएस के ऑफिस में घोड़से का फोटो लगाया हुआ है, ग्वालियर में आपने घोड़से का जो है घोड़से का मंदिर बनाया है। ये सब ना तुतु मैमै नहीं कीजिए मेरे साथ, तुतु मैमै का जवाब हमको देने के लिए आता है। आप सवाल का जवाब सुनिए, पूरा बोल लीजिए, आप सुनिए, एक दस आप माइक रखिए, नहीं 10 सेकंड आप माइक रखिए, हम आपका सवाल का जवाब देते हैं। 10 सेकंड वो उधर मत ना, ना, वो हमको करने के लिए आता है। ना, ना, एक मैं ये कहा, आपने कहा गोड़ से मुर्दाबाद कहिए, हमने गोड़ से जिंदाबाद कब कहा? हमेशा से। कब कहा हमेशा से? हमने कब कब गांधी की विचारधारा का हमने अपमान कब किया? बोलिए ना, बोलिए ना, गोड़ से मुर्दाबाद, आप बोलिए गोड़ से मुर्दाबाद, बोलिए गोड़ से मुर्दाबाद, माइक लेके बोलिए। अरे गोड़से के किसी कार्य का हमने समर्थन नहीं किया, गोड़से मुर्दाबाद ही नहीं कहा, गोड़से मुर्दाबाद, बोलिए ना गोड़से मुर्दाबाद, गजब हाल है, बोलिए गोड़ से मुर्दाबाद, काय नहीं बोल रहे हैं राम कदम जी, सस्पेंड हो जाइएगा, उसी पॉइंट कल पार्टी से निकाल दिया जाएगा, डर काय लग रहा है, बोलिए एक बार मुर्दाबाद, हम भारत माता की जय बोलते हैं, इनको बोलिए गोड़ से मुर्दाबाद, बोला इन्होंने, बोलिए बोलिए, सुन लीजिए, हाँ बोलिए जोर से बोलिए, आपके समाधान के लिए मैं कह नहीं, समाधान के लिए अपने मन से दिल से बोलिए, अगर गांधी को मानते हैं तो दिल से बोलिए। गोड़से ने जो कार्य किया है वह निंदनीय है। क्या कार्य किया का, नहीं नहीं गोड़से ने क्या कार्य किया है? महात्मा गांधी को जो क्या महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी जी की हत्या क्या की है? वध नहीं किया, निंदनीय है, वध नहीं किया है, वध नहीं बोलते हैं ना क्या, कि महात्मा गांधी का वध किया गया ये नहीं बोलते हैं ना, हत्या की है ना विषय क्या? नहीं नहीं मैं बोल बुलवाता हूँ ना, ये देखिए मुंह में जवान रख करके बात मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। शब्दों में कहूँ ये अभिव्यक्ति मेरी है ना, आप मेरी उसी तरह से मेरी भी है, संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल उसी तरह से अभिव्यक्ति मेरी भी है, मेरी है। मैं बोलूंगा जैसे राम भारत माता की जय वो मेरी अभिव्यक्ति है, आप कौन होते हैं बुलवाने वाले, आप कौन होते हैं बुलवाने वाले, आपके कहने से क्यों बोलेंगे? भारत माता की जय की अभिव्यक्ति मेरी है, जय श्री राम बोलने की अभिव्यक्ति मेरी है, उसी तरह से हर इंडिविजुअल की अभिव्यक्ति है। आपको ये टेंडर किसने दिया है? माथा पे जो है ललका गमछा लगा करके, भगवा गमछा लगा करके, हरा गमछा लगा करके आप तय कीजिएगा कि कौन क्या बोलेगा। देखिए अब मुद्दा पे आइए, भटकाइए मत, आधा घंटा का समय है, ठीक है? मुद्दा इन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी, मुझे जवाब देने दीजिए, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, मुझे बताइए कि कांग्रेस का अटल बिहारी वाजपेयी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, मोदी जी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री मंदिर नहीं जाते थे? नहीं नहीं, इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी मंदिर नहीं जाती थी? इसमें सवाल ये कि चुनावों के वक्त, देखिए चुनावों के वक्त जाना वो दिखाना उस पे सवाल है, मंदिर वो तो आपके कैमरा का प्रॉब्लम है ना, कि आप चुनाव के वक्त उनके पीछे पीछे लेके घूमते हैं, रोज सुबह में आप कैमरा लेके थोड़ी उनके पास रहते हैं, कब मंदिर जाते हैं कब मंदिर नहीं जाते हैं, ऐसा है। फिर ये कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है, मैं गमछा पहनूं भगवा इन्हें दर्द है? नहीं नहीं, आप कैमरा आपका नहीं, दर्द नहीं है, दर्द है मुझे, दर्द नहीं है। आप एक बार आपकी, अरे आप पैजामा भी भगवा पहन लीजिए महाराज, आप कुर्ता भी भगवा पहन लीजिए, आप माथे पे भी भगवा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आफत है, ऐसे नहीं हो सकता, मुझे उनसे आफत नहीं है, मैं कांग्रेस दर्द। सुनिए अंग्रेज वाला चाल नहीं चलेगा, फूट डालो राज करो, होशियारी इधर मत कीजिए, उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं, आपसे हम झगड़ा कर रहे हैं, ये सब होशियारी मेरे साथ मत कीजिए, हमारा तो आपसे झगड़ा ही नहीं है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है, नहीं यही अंतर है, आप कांग्रेसी लोग जिसे झगड़ा समझते हो, भारतीय जनता पार्टी उसे विचारधारा की लड़ाई समझती है। कौन सी विचारधारा? भेद है, कौन सी विचारधारा? विचारधारा किसकी विचारधारा? विचारधारा, सुनिए एक बात ये बताएं, नमस्ते, भाजपा, भाजपा किसके विचारधारा पे चलती है? पांच नाम बताइए, भाजपा की विचारधारा किसको फॉलो करती है? पांच नाम बताइए, हम गिनते हैं, बोलिए, बताओ। हाँ शांति से सुनेंगे, हाँ शांति से, अभी आपकी भाषा में माइक रखिए, हाँ चलिए, आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे,
त्वया हिंद भूमि सुखम वर्दितोऽहम्। अरे तो शाखा में पढ़ाया जाता है। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं क्या? कौन सा दर्शी आप कौन सा वर्ष किए हैं? शाखा का कौन सा वर्ष करके आएंगे? आपने प्रथम वर्ष आपने पांच आदमी का नाम हम पूछा, इन्होंने पूछा मुझे क्या विचारधारा। तो माँ भारती के लिए मर मिट जाने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर देश का नागरिक यह विचारधारा मानते हैं? आपकी माता भारत माता है, सबकी भारत माता माता है। मेरी माता भी भारत माता है ना? अभी पता नहीं, आपको बताना होगा। तुम क्या करते हैं, पेड़ पे लटके हुए थे? नहीं नहीं नहीं, जेएनयू में 9 फरवरी को हम पेड़ पे लटके हुए थे। मेरी माँ नहीं है क्या? माता भारत माता है, गजब हाल है। ये जेएनयू में 9 फरवरी 2016 में भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे किसने और क्यों लगाए थे? अरे ऐसा नहीं था, हम बताते हैं। हाँ बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन दे रहा था ये बताइए? अरे ओरिजिनल नारा इनको पता नहीं है। जवाब जवाब जवाब, ये नारा नहीं था, ठीक है। वो आपको जीन्यू जाना पड़ेगा, नेटवर्क 18 के पास वो फुटेज नहीं है। अब सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए, पांच व्यक्ति का नाम बताइए जिस व्यक्ति की विचारधारा पे आरएसएस बीजेपी चलती है। पांच व्यक्ति का नाम बताइए सीधा सीधा। जो प्रार्थना है, हाँ पता है मुझे, वो प्रार्थना ना, ना, है। उसके उसके उसका अर्थ बता। पांच व्यक्ति का नाम बता रहे, संस्कृत में है। पांच व्यक्ति का नाम नहीं बताएंगे? अरे मोदी, अमित शाह, योगी, संबित पात्रा, यही गिना दीजिए, स्मृति ईरानी, पांच बोलिए ना महाराज, काहे घबरा रहे हैं? हो गया पांच, पांच नाम बताइए। हो गया, तब मैं जवाब दूंगा। हो गया, मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी क्या है, मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी होने का क्या मतलब होता है, कांग्रेसी होने का क्या मतलब, ये बताता हूँ। कांग्रेसी होने का मतलब होता है आपके भी, आपके देश में सवाल का जवाब मैं देता हूँ आपके साथ, आपका पास जवाब नहीं है, मैं जवाब देता हूँ। ऐसे नहीं होगा, कांग्रेसी होने का मतलब है इस देश के 5,000 साल के इतिहास और उसकी विरासत को अपने आप में समेटना। कांग्रेसी होने का मतलब होता है नानक के विचारों पर चलना। कांग्रेसी होने का मतलब होता है कबीर के उस को समझना, जिसमें हम कहते हैं, सुन लीजिए, बाहर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। एक मिनट, कबीर के उस लाइन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कांग्रेस आप आ जाइए ना, राम कदम जी आपका सपोर्टर आपसे ज्यादा मजबूत है, आप नीचे बैठ जाइए, उसको यहाँ भेज दीजिए। एक मिनट, राम कदम जी उस आदमी को, एक क्या नाम है भाई जी आपका, उस आदमी को यहाँ बैठाइए किशोर जी, और इनको वहाँ भेज दीजिए, उनको मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए, एक मिनट राम जी, राम मैं बताता हूँ। पहली बात तो 5,000 साल पहले कांग्रेस थी नहीं, कांग्रेस की विचारधारा की आप बात कर रही हैं? कांग्रेस की विचारधारा क्या है? इनकी कांग्रेस की विचारधारा गांधी की विचारधारा है। आप खुद कांग्रेस के, कांग्रेस में अभी आए, आप खुद आए अभी कांग्रेस में, भाई पटेल की विचारधारा, अभी से कुछ दिन पहले तो आप ही कांग्रेस में नहीं थे, इसका क्या मतलब है? नहीं तो आप कांग्रेस की विचारधारा लेके जो आ रहे हैं, मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो हम गांधी के खिलाफ थे, इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो नेहरू के खिलाफ थे, इसका यह मतलब है, ये थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। अच्छा, अगर आप जिस पार्टी में थे वो पार्टी किसको मानती थी? जोसेफ स्टालिन को? नहीं, हम कभी स्टालिन को नहीं माने थे। आप स्टालिन को कभी नहीं माने? कभी नहीं माने। आपने तिरस्कार किया स्टालिन का? आपके मंच पे किया है, आपके मंच पे ऑन कैमरा किया है, आपके मंच पे ऑन कैमरा किया, कागज पे लिख के दे दीजिए ना, आइए कागज पे लिख के दे दीजिए, वो कुछ टीका टिप्पणी बता रहे हैं, कागज पे लिख के पहुंचा दीजिए, बोलिए। एक मिनट, हाँ मुझे पता है, मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे पता नहीं होगा, मैं 2019 का चुनाव लड़ा हूँ तो। एक मिनट, हाँ बैठिए, एक मिनट, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है, हमको बता रहे हैं, नहीं है मेरा जनरल नॉलेज कमजोर नहीं है, मुझे पता है मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, आपका जवाब दे दूं मैं कन्हैया जी, आप सवाल पूछे तो जवाब भी सुन लीजिए। एक आप कहा ना, मेरे सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा किनके विचारों के आधार पर हमारा दल चलता है, लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर जो गरीब व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान के विचार, उसके उत्थान के विचारधारा पर हमारा दल चलता है। ये एनसीईआरटी बात, तुम्हारी कांग्रेस का दल जो है केवल और केवल गांधी घराना, नहीं, नहीं नहीं, जो कल राहुल गांधी शादी कर ले तो उनका पोता भी वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा भविष्य का, इस प्रकार से तुम्हारी विचारधारा है, वो दल है या प्राइवेट कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? इसको जानते हैं क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेशर्मी। अभी जो बोमई यहाँ पे बैठा हुआ था उसका बाप कौन था? जया शाह कौन है? फूफा है आपका? कौन है? कौन है बोमई? कौन है भाषा मर्यादित? कौन है जैसा? परिवारवाद की बात करते हैं, ठीक है, कौन है बोमई बताइए, बोमई के पिता बताइए, कौन से परिवार से आते बताइए, लोगों को बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कौन से परिवार से आते बताइए लोगों को, खाली नरेंद्र मोदी, एक आम आदमी,
एक गरीब परिवार से अच्छा, देश का प्रधानमंत्री केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बन सकता है। मेरे पिताजी कौन है ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सुनिए ना, मेरे कि जहाँ पे केवल और केवल गांधी परिवार तय करेगा वो मंत्री होगा, गांधी परिवार तय करेगा वो उस दल का अध्यक्ष बनेगा। ये झूठ है, ये ऐसा नहीं है, ये झूठ है। मैं इनको अभी पूछ रहा हूँ कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री अभी से इस सेशन के पहले यहाँ के भाषण दे रहे थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में इनके मुंह में दही जम गया है। जैसा के बारे में सवाल पूछ रहे हैं तो उसके पलते इनके मुंह में पान आ गया। आपकी पार्टी के परिवार, नरेंद्र मोदी साधारण परिवार से हैं। मेरे पिताजी कौन थे? राहुल गांधी साधारण परिवार से कौन थे? राहुल पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है। साधारण परिवार से, बिल्कुल साधारण परिवार से। प्रमोद महाजन के साथ क्या कर रहे थे? कोई नहीं था, मेरा पारिवारिक रिश्ता था। मैं एक मिनट, प्रमोद महाजन से इनका पारिवारिक रिश्ता था आपका? प्रमोद महाजन साधारण आदमी। पहली बात सुनिए, हमको सब पता है। एक मिनट, ये भ्रम किसी और के पर थोड़ा सा और अच्छा अध्ययन करते तो बेहतर होता। बहुत धन्यवाद। आप अध्ययन करते कि रामकदम सलाह देने के लिए बहुत धन्यवाद। तुम्हारा नाम कैसा है? रामकदम, तुमने 2,50,000 लोगों की गरीबों की यात्रा कैसे कराई? अच्छा होता। एक स्कूल में साथ थे, केवल मात्र इतना ही संबंध है। आपके अध्ययन में थोड़ी कमी रहेगी, आप पीएचडी कर रहे हो। थोड़ी पीएचडी की नहीं, बात इसलिए उठ रही परिवार की क्योंकि ये आपके पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है। ये साधारण कार्यकर्ताओं की बात नहीं हो रही है, आप जैसे नेताओं की बात भी नहीं हो रही है। साधारण कार्यकर्ता है? नहीं, मेरी बात नहीं, आपकी पार्टी, परिवार से नहीं आए। आपकी पार्टी, ना साधारण परिवार से नहीं आए। आपकी पार्टी के अध्यक्ष, मेरी बात सुनो। अरे पार्टी के, आपके पार्टी के, आपके पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है। आपके पार्टी के अध्यक्ष अगला कौन होगा? ये बोलेंगे नहीं। आपके पार्टी का अगला प्रियंका किस बात का डर? नहीं, आप मेरी बात सुनो। बात पार्टी की हो रही है, पार्टी के नेतृत्व की हो रही है। आप ऐसे के पुत्र है, जय शाह जी, अमित शाह के पुत्र है। बोलो क्या आपत्ति है तुम्हें? पार्टी क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? क्यों परिवार वाले नहीं? एक मिनट, परिवार वाले नहीं है। मेरी बात सुनिए, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बजाओ ताली। ना, अभी अगर सवाल बीसीसीआई का सवाल ना, परिवार वाले नहीं है। देखिए, अभी सवाल बात आपके पार्टी के अध्यक्ष की हो रही है। केनी का बेटा, पार्टी का बेटा, ऐसे कन्हैया जी, कन्हैया जी, परिवारवाद नहीं है, कन्हैया जी, और उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही। परिवारवाद की बात कांग्रेस नहीं कर सकती। खेला करते हैं, परिवार देखिए, खेला देश की जनता देख रही है। डर आप रहे हैं अध्यक्ष में, जब आपकी पार्टी के अध्यक्ष की बात आती है तो आप हमेशा इधर उधर डाइवर्ट कर रहे हैं। पार्टी का अध्यक्ष आपका एक ही परिवार से होता है, एक ही। सुनिए, बिल्कुल सवाल का जवाब, बिल्कुल बिल्कुल फालतू बात मत घूमिए। राहुल गांधी प्रियंका पर जवाब नहीं है। सुनिए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जरूरत नहीं है, बैठिए। बोलो, अरे सब सवाल का जवाब देंगे। सीताराम केसरी किस परिवार से थे? सीताराम केसरी जब थे, जब परिवार नहीं था पॉलिटिक्स में, उसके बाद फिर बात वापस आपने परिवार को बुलाया ना? परिवार नहीं था पॉलिटिक्स में, कैसी बात करते हैं आप? जब गांधी परिवार पॉलिटिक्स में नहीं था तब आपने सीताराम केसरी को हटाया कैसे? कैसे हटाया आपने सीताराम केसरी? सिर्फ गांधी परिवार के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं? नहीं, देखिए, सीताराम केसरी को कैसे हटाया था आपने? मैं कह रहा हूँ कि आप कैसे हटाया था आपने, कि एक परिवार के लोग ही कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं? कैसे हटाया आपने सीताराम केसरी को? आपने नाम लिया सीताराम केसरी का? चुनाव होता है, आपने चुनाव से लोग अध्यक्ष बनते हैं। आपने चुनाव से अध्यक्ष बन सकते हैं, कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। एक मिनट, ये फालतू बात नहीं है। नहीं नहीं, आपने सीताराम केसरी का क्यों नाम लिया? किशोर जी, कन्हैया जी, आप मुझे एक फैक्ट बताइए। कन्हैया जी, कांग्रेस पार्टी का, कन्हैया जी एक मिनट, सिर्फ जो है गांधी परिवार से लोग हुए हैं? अब तो ऐसा ही है, दूसरे परिवार से नहीं हुए? पहले तो हुए, अब तो ऐसा ही है ना? पहले हुए हैं ना? आप ही बोलोगे, सच है ना? आप ही बोलोगे। हम रही बात परिवारवाद की, अब मैं उस पे आता हूँ। अब मुझे रही बात परिवारवाद की, परिवारवाद इस देश की राजनीति की समस्या है। कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिस पार्टी में परिवारवाद नहीं है। तो कांग्रेस में स्वीकार करते हो? कांग्रेस में स्वीकार करते हो क्या? कांग्रेस में है परिवारवाद, स्वीकार करते हो नहीं करते हो? अरे नहीं नहीं, बोलिए, आप स्वयं कह रहे थे स्वीकार करते हो नहीं करते हो? पूरी भारतीय राजनीति में परिवारवाद है। अच्छा, एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए, और आपके लिए भी सुनिए, रामकदम जी सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, आपकी सारी सुन ली। आप मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप दे रहा हूं जवाब कि राजनाथ सिंह के बेटा को एमएलए कैसे बनाया? जवाब दे रहे हैं। देखिए कैसा है, इन्होंने एक बात सच कही, इस बात को हमने सारी बात से, इस बात को प्रामाणिकता से स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस दल में जैसे इन्होंने सीताराम जी का उदाहरण दिया तो वे भी अध्यक्ष बने, ये बात सच है। पर ये जानबूझकर के ये बात बताना भूल गए
कि उनको अध्यक्ष पद पर बिठाया गांधी परिवार ने, यानी भले दूसरा अध्यक्ष बना पर किंग मेकर कौन रहा? गांधी परिवार ही रहा। अच्छा एक बात, देश को आजादी मिलने के बाद उस पल से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है या नहीं कर रही? हो गया, हो गया, बस इतना है। अब आप मुझे बताइए, आप सब लोग अपने दिल पे हाथ रख करके बोलिए, बोमाई साहब इससे पहले इस सेशन में यहाँ बैठे हुए थे, उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया है? सच बोलना भाई, सच बोलना प्लीज, कौन बनाया है मुख्यमंत्री बताओ, कौन बिठाया है? देखिए कौन बिठाया है, क्या और गुजरात के ना, 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 गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, क्या नाम है उनका? नहीं पर मुझे एक बात बताइए, नहीं हाँ। गुजरात के मुख्यमंत्री मैं आपका जवाब दे दूं, गुजरात के मुख्यमंत्री मैं आपको जवाब दे दूं, दो मिनट सुन लो, अरे गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम मैं दो मिनट आपको जवाब दे दूं, सुन तो लो दो मिनट के, कन्हैया जी उनके बारे में सवाल है, कन्हैया जी मैं आपको बता रहा हूं, आपने राजनाथ जी के बेटे के बारे में पूछा, अमित शाह, दो मिनट मुझे जवाब तो दो, गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, आगे लेके जाओगे, अरे अभी गुजरात के मुख्यमंत्री, चलिए टाइम अप हो रहा है, उनको कौन मुख्यमंत्री बनाया है? जी, टाइम आप हो रहा है, रामकवन जी का सवाल ले लेता हूं मैं। देखिए भाजपा को भी ना दो लोग चला रही है, पहले ढाई लोग चला रहे थे, वो आधा लोग गायब हो गए हैं, दिवंगत हो गए हैं, अब दो लोग चला रहा है, मोदी साहब की जो जोरी है ये पूरा भाजपा चला रही है, आपकी पार्टी पे सवाल, आपने अपनी, आप अपनी पार्टी का, आप ये नहीं, आप फिल्म दीवार के डायलॉग की तरह बोल रहे हैं कि भैया पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी मां पे ये लिख दिया, आपकी अपनी, आप अपनी पार्टी का बताओ ना, आप अपनी पार्टी का बताओ, अपनी पार्टी का आपको जवाब नहीं है साहब, आप इधर घुमा रहे हो, किशोर साहब चलिए, हम डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, सॉरी हम नहीं बोल रहे हैं, आपको अमिताभ बच्चन बनने का मन हो गया, ना ना देखिए इनके मन में कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन होने का, टाइम आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए रामकदम जी, अंत में स्वीकार कर लो कि कांग्रेस भी परिवारवाद वाली पार्टी है। राम जी खुद हैं यहाँ पे, कन्हैया जी भी हैं, तो दोनों भगवानों के नाम तो यहाँ हैं, लेकिन वास्तव में लोग सुनना चाहते हैं कि कन्हैया जय श्री राम कहे। चलिए इन्होंने ये शायद उसी के लिए नारे हो, जय श्री राम। किशोर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और राम कदम जी का दिल्ली में स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इन्होंने हमसे आग्रह किया है कि मैं जय श्री राम कहूं, शायद होमवर्क करके नहीं आए हैं राम कदम जी, मैं मिथिला से आता हूँ और मिथिला राम जी का ससुराल है, तो हम लोग कभी भी राम जी का नाम सीता जी के बिना नहीं लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं हमेशा श्री सीताराम, सीता जी और राम जी का नाम हम लोग साथ में लेते हैं, माता जानकी और राम जी का नाम हम साथ में लेते हैं, लेकिन राम कदम जी मुझे तो बार बार ये महसूस होता है कि राम का नाम अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जब आ रहा था तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो मुझे गार्ड भेजा गया है, जयपुर से हैं, राजस्थान से हैं, उनका नाम ही सीताराम है, लेकिन भाजपा के लोग जब राम के नाम पे राजनीति करते हैं तो मुझे राम कदम जी का नाम राम कदम नहीं, नाथू राम कदम सुनाई देता है। मुझे भले कुछ भी कहे पर आपने जय श्री राम बोल दिया यही काफी है, क्योंकि नहीं जी, हाँ। मैं ये कह रहा था वो आप ही के भाड़े पे लागे लोग, आप भाजपा के नेताओं को कुछ भी कहे पर आपने जय श्री राम बोला ये भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि राम नाम ऐसा है, भले रावण भी राम नाम का 108 बार उसे पुकारे तो वो भी इस भव से पार हो जाता, ये राम की महिमा है। चलिए ये संवाद शुरू करने से पहले ही बात हाँ, ऐसा नहीं है, मैं हाँ, यही कहता हूँ, देखिए ये लोग रावण से होमवर्क नहीं किए, मरा मरा जब आप बोलते हैं तो राम सुनाई देता है, आपने गलत ले लिया, मैं कह रहा हूँ मरा मरा बोलने से राम सुनाई देता है, आप होमवर्क ठीक से कीजिए, आप बीजेपी के नेता हैं, राम के नाम पे आपकी दुकान चल रही है, कम से कम होमवर्क तो ठीक से करके आइए। मेरा एक बात बताइए, जब ना ना अब राम से शुरुआत ही हो गई है और विषय भी धर्म का है, तो बताइए कि जब अयोध्या में 450 वर्षों के संघर्ष के बाद जब भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा था, और आप अब जिस दल के नेता हो, उस कांग्रेस दल ने देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में 22 वकीलों की फौज इस कारण खड़ी की थी कि वो फैसला देरी से आए,
क्या आप इस बात का समर्थन करते हो? राम गदम जी, मैं फिर कहता हूँ, हिंदू धर्म को समझने में आपने गलती कर दी है। आप मुझे बताइए कि इस ब्रह्मांड का कौन सा ऐसा हिस्सा है, अयोध्या का कौन सा ऐसा चप्पा है? हम कहते हैं कि कण कण में राम होते हैं, आप में भी राम है, उनमें भी राम है, सब में राम है। आपने राम की एक अलग परिभाषा इसलिए बनाई है ताकि नाथूराम की सत्ता आप चला सकें, नाथूराम की विचारधारा वाली सरकार चला सकें। मुद्दे को भटकाइए नहीं, ये सरकार में है, देश में पावर में है, इनसे मुद्दा का सवाल कीजिए, ये इधर उधर की बात करेंगे, इनसे पूछिए कि रसोई गैस का कीमत क्यों बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है, अभी जो कमर्शियल गैस सिलेंडर का प्राइस है उसको 101 रुपया क्यों बढ़ा दिया गया है? उस पर भी चर्चा करेंगे। आप बताइए कि 3 साल में रेलवे ग्रुप डी की भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? आप बताइए कि BSNL को क्यों बेचा जा रहा है, एयर इंडिया को क्यों बेचा जा रहा है? मुद्दा मत भटकाइए साहब। अच्छा, हो गया आपका। देखिए, एक बात को स्वीकार करिए कि आप बोलते समय मैंने आपको टोका नहीं, तो उसके साथ साथ ये चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तो आप नहीं टोके। हमने पूछा था कि राम मंदिर के फैसले को कांग्रेस दल बोल के माइक सर्वोच्च न्यायपालिका में 22 वकील खड़े किए कि वो फैसला देरी से आए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि ये राम से ऊपर हैं, यही है ना इनके कहने का मतलब? राम जी का फैसला जो है, राम जी का फैसला जो है वो ये करेंगे। आप मुझे बताइए, धर्म इंसान के लिए होता है, इंसान धर्म को बनाया है, धर्म के नाम पर इंसानों को आपस में लड़ाना, धर्म के नाम पर इंसानों की जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी, उसको गुमराह करना, ये सही बात है? ये नहीं, कभी नहीं, भी जो है सरकार जब चला रहे हैं तो देश की जनता का जो सवाल है उसका जवाब देने की बजाय ये धर्म लेकर के आ जाते हैं। और किशोर जी ने फिर जवाब नहीं दिया, दो बार पूछने के बाद आपका जवाब दूंगा। मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दा जहां से शुरू हुआ था, जो हम शुरू करना चाह रहे थे वो ये कि आप धर्म में भी ये कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक ही चीज है। वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है एक ऐसी विचारधारा है जिसके साथ वो नहीं है और वो हिंदू धर्म से अलग है। सही कह रहा हूं मैं? आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात खुद कहेंगे, आपने मुझे माइक दिया है बोलने के लिए। ये कह रहे हैं मतलब कि आपकी पार्टी कह रही है, मैं ही कह रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, क्या फर्क है हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदुत्व? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहस मैं समझता हूँ बिना मतलब का है। क्यों? बिना मतलब का इसलिए है कि बहस तो वहीं से शुरू हुई ना जहाँ से ये किताबें आई हैं, जब आपके नेताओं, आपकी पार्टी के नेताओं ने कुछ किताबें लिख दी। ठीक है, उन्होंने किताब लिखी है, उस पर बहस भी हो रही है, लोग चर्चा भी कर रहे हैं जी। लेकिन मैं यहाँ जब चौपाल में बात करने के लिए आया हूँ तो मैं इस देश की आम नागरिक के हैसियत से आकर के यहाँ बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब देश में साल में एक बार कोई बड़े चैनल पे बहस हो तो देश के लोगों की जो आम परेशानी है उस पे बात हो। आप कह रहे हैं कि आम लोगों से परे है ये बहस, आम लोगों को इस बहस से मतलब नहीं है। बिल्कुल बहस, देखिए मैं यही कहता हूँ, RSS के जो राम है ना उसका एक राजनीतिक उद्देश्य होगा। अब आप, लेकिन मेरी दादी, अभी आपने कहा इनमें राम है, मुझमें राम है, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मेरी दादी जो है, मेरे घर के जो लोग हैं, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे गांव के जो लोग हैं, उनके जो राम है ना वो उनके आस्था का विषय है, और वो बिना मतलब का इसके नाम पे कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि राम जी का नाम लेकर तो राम का नाम बिना मतलब के हो ही नहीं रही है, बिल्कुल मतलब से हो रही है, गुमराह किया जाए, ये बिल्कुल मतलब से हो रही है राजनीति। आपने कहा ना बिना मतलब से, बिल्कुल मतलब से हो रही है, दिख रहा है ये राजनीति सब तरफ से मतलब से हो रही है। हम कह रहे हैं कि ये धर्म के आधार पर इस देश में किसी भी प्रकार की राजनीति खतरनाक है, और ये इसलिए हो रही है ताकि इस देश के लोगों का जो आम सवाल है, मैं जो बार बार कहता हूं, अब आप देखिए कि 3 साल से रेलवे के ग्रुप डी की भर्ती नहीं निकाली गई है। आप कोई डिपार्टमेंट उठा करके देख लीजिए, बैंक में बहाली नहीं हो रही है। आप मीडिया में नौकरी करते हैं साहब, आपको पता है कोविड के दौरान लोगों की नौकरियां चली गई, वर्क फोर्स को घटाने के नाम पर छटनी किया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि महंगाई रोज बढ़ रही है। चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं, चुनाव अभी भी पहचान पे लड़े जा रहे हैं, आइडेंटिटी पे लड़े जा रहे हैं। आपकी पार्टी भी जहां जा जाती है, अभी अभी कुछ देर पहले सचिन पायलट आए थे, उनसे पूछा कि मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ तो उन्होंने बोला कि पहली बार कुछ दलित मंत्री बनाए गए हैं। बात दलित की हो गई, वहां आपने पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बना दिया, उसको भी आप कह रहे हैं कि ये भी तमगा है। आपको, आप तो बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, आप उसकी बात नहीं कर रहे जो मुद्दे आप अभी उठा रहे हैं। आप जब लोगों के बीच जाते हैं तब आप भी पहचान लेके जाते हैं। नहीं,
हम लोगों के बीच में जब जाते हैं तो लोगों के मुद्दों की ही बात करते हैं। ये भाजपा है जो बार बार धर्म का नाम लेकर के लोगों के जो बुनियादी सवाल है उसको गुमराह करने का काम करती है। अब इन्होंने यहाँ जब ये आकर के बैठे हैं तो ये सवाल ये पूछ सकते थे कि आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो जब आपकी सरकार की थी तो आपने क्या किया, ये सवाल होना चाहिए। लेकिन ये सवाल ये हमसे नहीं पूछ रहे हैं। देखिए, अगर आप एक मिनट राम जी, मैं आपको बताऊँ, अगर आप हमको सवाल बताएंगे तो फिर हम आपको जवाब बताएंगे। नहीं नहीं, हम आपको सवाल नहीं, हम प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि आपको सवाल लिख करके दे देंगे। हम लिखा हुआ इंटरव्यू दे रहे हैं। प्रियंका जी भी तो मंदिर जा रही है ना, प्रियंका जी भी मंदिर जा रही है, राहुल जी भी मंदिर जा रहे थे, जनेऊ भी दिखा रहे थे, वो अगर वो कर सकते हैं। देखिए, मंदिर जाने में कोई बुराई नहीं, चुनाव के टाइम मस्जिद जाने में भी कोई बुराई नहीं, घर जाने में भी बुराई नहीं, गुरुद्वारे में जाने में भी बुराई नहीं। राम जी, आप, मैं यही कहता हूँ, देखिए इसकी जो एक अलग व्याख्या की जाती है ना, ये खतरनाक है। ये देश है, सभी धर्म के लोगों का देश है। जब आप पब्लिक फिगर हैं, आपको कोई अपने धार्मिक आस्था के हिसाब से अपने किसी धार्मिक संस्थान में लेकर के जाता है तो आप जाते हैं, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, इस देश में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप विकास की बात कीजिए, आप मुद्दे की बात कीजिए, आप बेकारी की बात कीजिए, आप महंगाई की बात कीजिए। राम जी जवाब देखिए, आप इस बात को स्वीकार करें कि लगातार चुनाव में हार के बाद ऐसा कौन सा कारण था कि आपके नेता राहुल गांधी को जनेऊ पहनना पड़ा, मंदिर मंदिर द्वार जाकर के मत्था टेकना पड़ा, कौन सा कारण था? क्या उस समय वो राजनीति से प्रेरित नहीं था? तो इसलिए कन्हैया जी, आप बोलते बड़ा प्यारा हो, पर इस तरह से नहीं, आप प्रामाणिकता से पक्ष रखिए कि कांग्रेस दल ने राम मंदिर को सर्वोच्च न्यायालय में विरोध किया, अप्रत्यक्ष रूप से गलत किया। ये लोग सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। बिहार और उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश बिहार के वासी हैं, उनको आने के लिए कांग्रेस दल ने कोई सुविधा नहीं दी, उनको वहां से भगा दिया। इस पर कांग्रेस पर आप प्रहार करिए। आपसे लोग सच सुनना चाहते हैं, और वह सच ये है कि यह दोगला नहीं हो सकता। मैंने तो प्रामाणिकता से आके, राम मेरी श्रद्धा है, आस्था है, मैंने जय श्री राम कहा, उसमें क्या गलत कहा? आपका नाम कन्हैया है, मैंने आपको भी कहा, आप भी कहिए जय श्री राम, जय कृष्ण कहिए, उसमें क्या गलत कहा? गलत, पर इसको आप राजनीति से आप जोड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं। ये पूरी तरह से सरासर दोगलापन है। यानी प्रियंका गांधी मंदिर में जाए वो सब सही, राहुल गांधी नकली जनेऊ पहने वो सब सही, पर राम मंदिर के लिए 450 वर्ष हिंदू भाई अगर संघर्ष करें तो उसमें आपको दोगलापन दिखे, ये कैसे हो सकता है? एक तो मैं बार बार कहता हूं कि विकास की भी बात करेंगे कन्हैया जी, विकास के हर मुद्दे की बात करेंगे। जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल मात्र 7 वर्षों में कैसे किया, और पूरे विश्व के नेता कैसे बने, इस पर पूरे आंकड़ों के साथ बात करेंगे। अच्छा, ये तो आपने खुद स्वीकार कर लिया कि जो 70 साल में नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी ने 7 साल में कर दिया। ये तो आपने नहीं, नहीं, ए, ए, अब ये सारे लोग पूछ लो इनसे, आप स्वीकार करते नहीं करते? 218 दिन में 100 करोड़ टीके लगे नहीं लगे, ये क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच नहीं है? आज 125 करोड़ टीके लगे और वो टीके इस मां भारती के भूमि पर बने, क्या ये प्रधानमंत्री की सोच नहीं है? चलिए, अब सारा विश्व प्रधानमंत्री जी के कार्य को सलाम कर रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री है, आप भी सीना चौड़ा करके कहिए कि वाह मोदी जी, आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो। देखो, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए आपको बहुत मुद्दे मिलेंगे, बहुत बिंदु मिलेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे, पर जहां पर एक भारतीय होने के नाते जब भारत की मिट्टी में कुछ अगर टीका बनता है और सारा विश्व अगर भारत को अगर ऊपर के स्थान पर देखता है तो आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए, तो आपको भी लगना चाहिए प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं, क्यों नहीं होता ऐसा? अच्छा, तो अब मैं बताऊं बारी बारी से। पहली बात तो ये कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई राम का नाम लेता है, कोई कृष्ण का नाम लेता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये देश एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं, यहाँ कबीर भी हैं, नानक भी हैं, बुद्ध भी हैं। ये अपने गले में जो भगवा लगा के बैठे हुए हैं ना, ये भगवा सिर्फ भाजपा का नहीं है, महात्मा बुद्ध के छीवर का रंग भगवा है, शिवाजी महाराज के झंडे का रंग भगवा है, संभाजी के महाराज का रंग, ये वहीं महाराष्ट्र से आते हैं, उनके झंडे का रंग भगवा है, और तो और जिस तिरंगे को ये नहीं मानते थे उस तिरंगे में भी भगवा रंग है। ये आपका रंग है, हमारा रंग है, ऐसी बात नहीं है, ये इस देश का रंग है। आप तिरंगे को मानते हो?
हाँ बिल्कुल मंदिर। भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। कहिए एक बार। अच्छा एक बात देखिए, नहीं नहीं कहिए भारत माता की जय। भारत माता की जय हम कहते हैं। 10 फरवरी 2016 में कहा था मेरी माँ का मेरी पत्नी का भारत माता की नाम जय कहूंगा, ताकि वो स्कूल में जब बच्चा जाएगा उसका भी नाम भारत माँ की माता की जय कहूंगा, ताकि उसको स्कूल वाले फीस माफ कर दे। राम कदम जी का टिप्पणी नहीं। राम कदम जी सुनिए, आप सुनिए, अब आप क्या है, ऐसा है कि नहीं, क्या है ना कि आप मेरे अंदर का बिहारी जगा दिए हैं। सुनिए आप, अब सुनिए आप, नहीं नहीं ये बिहारी महाराष्ट्र जो है, सुनिए ये भारतीय होता, पहला भारतीय होता है। सुनिए आप मेरी बात सुनिए, अभी तक मैं इनसे बड़ा तमीज से बात कर रहा था, अब ये मेरे अंदर का बिहारी जगाए हैं। सुनिए, आपको संबित पात्रा बनने का शौक है ना, ना, ना तो ना। यही सवाल हमसे पूछे थे और उनको हम जवाब दिए थे। जवाब जानते हैं क्या दिए थे? कि भारत माता की जय हम बोलते हैं, आप गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो गोडसे बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। जिसने हत्या की है घोड़से के कार्य का हमने कभी समर्थन किया है? घोड़से मुर्दाबाद बोलते हैं, समर्थन किया है, किया है भाई, निंदनीय है। आरएसएस के ऑफिस में, आरएसएस के ऑफिस में घोड़से का फोटो लगाया हुआ है। ग्वालियर में आपने घोड़से का जो है घोड़से का मंदिर बनाया है। ये सब ना तुतु मैमै नहीं कीजिए मेरे साथ। तुतु मैमै का जवाब हमको देने के लिए आता है। आप सवाल का जवाब सुनिए, पूरा बोल लीजिए, आप सुनिए, एक दस आप माइक रखिए, नहीं नहीं 10 सेकंड आप माइक रखिए, हम आपका सवाल का जवाब देते हैं। 10 सेकंड सर, वो उधर मत जाइए, ना, ना, वो हमको करने के लिए आता है। ना, ना, एक मैं ये कहा, आपने कहा घोड़से मुर्दाबाद कहिए, हमने घोड़से जिंदाबाद कब कहा? हमेशा से। कब कहा? हमेशा से। हमने कब कब गांधी की विचारधारा का हमने अपमान कब किया? बोलिए ना, बोलिए ना, घोड़से मुर्दाबाद, आप बोलिए घोड़से मुर्दाबाद, बोलिए घोड़से मुर्दाबाद, माइक लेकर बोलिए। अरे घोड़से के किसी कार्य का हमने समर्थन नहीं किया, घोड़से मुर्दाबाद ही नहीं कहा, घोड़से मुर्दाबाद। बोलिए ना घोड़से मुर्दाबाद, गजब हाल है, बोलिए घोड़से मुर्दाबाद, काय नहीं बोल रहे हैं राम कदम जी, सस्पेंड हो जाइएगा, उसी पॉइंट पार्टी से निकाल दिया जाएगा, डर काय लग रहा है? बोलिए एक बार मुर्दाबाद, हम भारत माता की जय बोलते हैं, इनको बोलिए घोड़से मुर्दाबाद। बोला इन्होंने, बोलो बोलो, बोलिए बोलिए, सुन लीजिए। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। आपके समाधान के लिए मैं कह दूं? नहीं, समाधान के लिए अपने मन से, दिल से बोलिए, अगर गांधी को मानते हैं तो दिल से बोलिए। घोड़से ने जो कार्य किया है वह निंदनीय है। क्या कार्य किया? नहीं नहीं, घोड़से ने क्या कार्य किया? महात्मा गांधी को जो महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी जी की हत्या क्या की है? वध नहीं किया, निंदनीय है, वध नहीं किया है, वध नहीं बोलते हैं ना, क्या कि महात्मा गांधी का वध किया गया, ये नहीं बोलते हैं ना, हत्या की है ना? विषय क्या? नहीं नहीं, मैं बुलवाता हूँ ना आपको, ये देखिए मुंह में जवान रख करके बात मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। शब्दों में कहूँ ये अभिव्यक्ति मेरी है ना, आप उसी तरह से मेरी भी है, संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल उसी तरह से अभिव्यक्ति मेरी भी है, मेरी है। मैं बोलूंगा जैसे राम भारत माता की जय, वो मेरी अभिव्यक्ति है। आप कौन होते हैं बुलवाने वाले? आप कौन होते हैं बुलवाने वाले? आपके कहने से क्यों बोलेंगे? भारत माता की जय की अभिव्यक्ति मेरी है, जय श्री राम बोलने की अभिव्यक्ति मेरी है, उसी तरह से हर इंडिविजुअल की अभिव्यक्ति है। आपको ये टेंडर किसने दिया है? माथा पे जो है ललका गमछा लगा करके, भगवा गमछा लगा करके, हरा गमछा लगा करके, आप तय कीजिएगा कि कौन क्या बोलेगा। देखिए अब मुद्दा पे आइए, भटकाइए मत, आधा घंटा का समय है, ठीक है? मुद्दा इन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी, मुझे जवाब देने दीजिए, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, मुझे बताइए कि कांग्रेस का अटल बिहारी वाजपेयी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, मोदी जी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री मंदिर नहीं जाते थे? नहीं नहीं, इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी मंदिर नहीं जाती थी?